हाय एवरीवन, जस्ट लेट मी नो इफ आई एम लाउड एंड क्लियर एंड वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी बोथ आर फाइन। वी आर लाइव भैया, ग्राफ टॉपिक भी एक्सप्लेन करोगे क्या इस सीरीज में? यस, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ग्राफ एज वेल, नॉट ऑल दी एल्गोरिदम्स ऑफ ग्राफ बट दी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वंस। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस सीरीज फॉर वेरी लॉन्ग। द रीज़न इज अब आपकी इस सीरीज को फॉलो करने के बाद एक अच्छी लेवल की तैयारी हो जाएगी फॉर द इंटरव्यूज। ठीक है, अब आपके क्या बच जाते हैं? क्वेश्चंस करना। सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस आफ्टर दैट। ठीक है, पर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा के उनको सॉल्व करेंगे। टॉपिक्स लगभग आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिकॉज दिस सीरीज इज़ फॉर प्लेसमेंट, तो मैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करा दूंगा। ट्री पूरा नहीं हुआ अभी। यस, ट्रीज रहता है, मतलब ऑब्वियसली यार अभी सारे दिन तक ट्रीज मैं नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग अभी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स देखते हैं आज, उसके बाद आई विल कंटिन्यू ट्रीज, डोंट वरी। क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं इसके अच्छे से। हाय मनु, हाय हेमंत, हाय सिद्धार्थ, हाय सूफियान, हाय रजत, हाय जावेद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जावेद, हेलो अंकुर। बाइनरी सर्च ट्री BST रहता है यार, अभी BST रहता है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स और रहते हैं अभी ट्री के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं ट्री के। सो आई विल बी कवरिंग, डोंट वरी, आई विल कवर। ये मैं सोचना कि अभी सॉर्टिंग स्टार्ट हो गया तो वो टॉपिक चला जाएगा, नहीं, इनफैक्ट अभी DP के भी और क्वेश्चंस कराऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे को पता है कैसे आपको डिलीवर करनी है चीज़ें, एंड मेरे दिमाग में है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करानी है, सो डोंट वरी अबाउट द कंटेंट। ओके, फाइंड द, अरे यार बैटरी लो, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन। मेरे को ऐसे बैठना सही लगता है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द इंटीजर बीच, ये मेरे को क्वेश्चन दिया है क्या? ऑप्टिमली शफल करने का मीनिंग क्या हुआ? आई विल सी दैट क्वेश्चन लेटर। हाय आशुतोष, आज कोड शेफ वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देना सॉर्टिंग के प्लीज। ओके, हाय रोहन, हाय प्रतीक, हाय सुबोध, अभिनव, लिरिकल, मिस्टर विलन। सर ट्री कंप्लीट, हम करवा देंगे ट्री कंप्लीट, डोंट वरी। ग्राफ कब स्टार्ट करेंगे? आफ्टर ट्रीज। स्वागत नहीं करोगे? हाय गोपाल, हाय अभिषेक, वी विल वेट फ्यू मोर मिनट फॉर दस टू ज्वाइन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे ये बताओ यार, आज कुछ पिक्चर क्वालिटी अच्छी लग रही है क्या? आज कुछ क्वालिटी अच्छी आ रही है? सेप्टेम्बर कॉन्टेस्ट में अभी 3 हो गए, बाकी ट्राई करेंगे। अच्छा, और हमारे कॉन्टेस्ट का क्या है? हमारे कॉन्टेस्ट का भी कुछ फीडबैक दो यार, जो मैंने कॉन्टेस्ट बताया था आप लोगों को। कौन कौन फॉलो कर रहा है हमारा वाला कॉन्टेस्ट बताइए, प्लीज़ राइट इन द चैट दोज़ आर फॉलोइंग। कितने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं आप लोगों ने, एक बार चैट में लिखना। सर पोस्ट ऑर्डर इटरेटिव मेथड का हिंट दे दो जिससे खुद इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, मैं दे दूंगा हिंट, दे दूंगा पोस्ट ऑर्डर इटरेटिव वाले का, आई विल गिव द हिंट, डोंट वरी। चलो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, फास्ट फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, ठीक है बिट्टू। चेयर की अमेज़ॉन लिंक, ये चेयर जो है ये अमेज़ॉन से नहीं मंगवाई है, ये मैंने किसी से ली है। अच्छी लग रही है पहले से, पिक्चर क्वालिटी इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने पीछे वाली लाइट बंद करके सामने वाली लाइट जला दी है, तो क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है इससे। आज लाइट अच्छी है, हाँ। फोर के,
2 मिनट और रुकते हैं, ठीक है? लेट अस ज्वाइन, देन वी विल स्टार्ट, डोंट वरी। अरे ऑप्टिमली शफल करने का मीनिंग बता दो प्लीज़। ऑप्टिमली शफल करने का मीनिंग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है यार, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, लाइट नहीं आई है अभी, लाइट मंगवाई है, वो दूसरी वाली लाइट आ जाएगी और बड़ी लाइट है वो। इससे मैं सोच रहा था कि कोड शेफ की क्लासेस के लिए आई शुड ऑल्सो गेट वन वेबकैम, बट वेबकैम बहुत महंगे आ रहे हैं यार, इट इज़ मोर देन 10 और 12 थाउजेंड एक बढ़िया वाला वेबकैम। सर कैन आई शेयर योर वीडियो इन व्हाट्सएप? ऑफ कोर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेयर करने के लिए, प्लीज़ डू शेयर। सॉर्टेड सॉर्टेड रहने के क्वेश्चंस करा देना प्लीज़, या क्वेश्चंस कवर करेंगे, डोंट वरी। हेलो उदय, चलिए फिर स्टार्ट करें क्या? शेल वी स्टार्ट? वैसे यार यू गाइज आर रियली एक्टिव, आई हैव फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड। ओके वी शुड स्टार्ट नाउ, ठीक है? लेट मी मिनिमाइज दिस। और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं अब, ठीक है? सुधीर भी सिंह, कोड शेफ, कोड शेफ हेल्प मी विद द सितंबर चैलेंज। या कोड शेफ इज गोइंग टू हेल्प यू विद द सितंबर चैलेंज वंस द चैलेंज इज ओवर। जैसे ही चैलेंज खत्म होगा यू विल बी गेटिंग द एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स अपडेट हो जाएंगे उसके, ठीक है? वीडियो एडिटोरियल्स होंगे तो वो अपलोड हो जाएंगे, वरना जो आपके एडिटोरियल्स होते हैं वो तो अपलोड हो ही जाते हैं, ठीक है? सो जस्ट वेट, अभी अपना एफर्ट्स डालो, अभी ट्राई योर सेल्फ, ठीक है? या नाइस, नाउ वी हैव अ गुड स्ट्रेंथ एंड वी कैन स्टार्ट। सबसे पहले तो देखो, थोड़ा सा मैं थ्योरी इसलिए कवर करवाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एसएपी का इंटरव्यू दिया था, मैंने एसएपी लैब्स का इंटरव्यू दिया था एक बार, एंड इंटरव्यू का जो फर्स्ट राउंड था बहुत ही सिंपल था, फर्स्ट राउंड ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। उसमें मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, एंड आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू यू। डोंट वरी, ट्रीज ट्रीज सीरीज ओवर नहीं हुई है, ट्रीज करवा देंगे, डोंट वरी अबाउट ट्रीज, ठीक है? जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन कि आप लोगों को क्विक सॉर्ट के बारे में पता है? डू यू नो वॉट क्विक सॉर्ट इज? क्विक सॉर्ट सबको पता है क्या? यस, वी विल डिस्कस ऑल दी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, बट आई विल नॉट कोड ईच वन ऑफ देम, बिकॉज कोडिंग, आप कोड जो पार्ट है ना, वो कोड तो आपको कहीं भी मिल जाता है। वी विल बी फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। वी विल बी डिस्कसिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिदम। कोडिंग कराने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, स्टिल आई विल कोड, थोड़ा बहुत कोड कर दूंगा मैं, एंड देन वी विल सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है? सो बेसिकली देखो, इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो होते हैं ना, बताते हैं अभी। बबल सॉर्ट, सेलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, SERTION सॉर्ट, ठीक है? देन मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, एंड फाइनली एक हीप सॉर्ट। ये हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, दीज आर द सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, इन पे हमें फोकस करना है। और बकेट सॉर्ट नहीं, सो बकेट सॉर्ट करना है तो कर लो, आपकी मर्जी है, बट इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। सो डू वन थिंग, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लेना, ठीक है? या मुझे भी पता है बकेट सॉर्ट एग्जिस्ट करता है, बट इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस नहीं है। फर्स्ट वी शुड फोकस ऑन दीज सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। अब ज़रा सभी लोग चैट में मुझे ये बता दो, क्वेश्चन बोल दूंगा, क्वेश्चन बोल दूंगा एसएपी लेवल वाला। अब अपनी ज़्यादा नॉलेज मत दिखाओ मेरे को कि कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। अब यहाँ पर मुझे चैट में बस ये बता, 4 5 6 इनमें से आपने कौन से किए हुए हैं, तो वो नंबर टाइप कर दो बस आप,
कि आपने कौन से इसमें से किए हुए हैं। जिसने एक भी नहीं किया ना वो जीरो सेंड कर देना, ठीक है, वो जीरो टाइप कर देना। आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ लुक कि कितने लोगों को सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पहले से आते हैं, कितने को नहीं आते हैं। तो जल्दी से, अगर आप इफ़ यू हैवन डन एनी ऑफ दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जस्ट राइट जीरो इन द चैट। इफ यू हैव डन एनी ऑफ दिस एल्गोरिथम, जस्ट राइट द नंबर, मेंशन द नंबर ऑफ दैट सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्विकली। क्विक 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 एवरीवन, डू नॉट टेक टाइम। ओके, चार पाँच, ठीक है, नाइस। थर्ड ने वन किया हुआ है, ठीक है, चार पाँच पड़ा है। आकाश ने एक भी नहीं किया, निखिल ने किया हुआ है, बिट्टू ने एक भी नहीं किया, हेरियो को लिरिकल ने ये किया हुआ है, हिम्मत ने किया हुआ है, आशुतोष, आदिल, अच्छा 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 मतलब कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने एक भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं किया हुआ है। ओके, देखो प्लीज़ संतोष, डू नॉट स्पैम इन दी चैट। चैट में स्पैम मत करना कोई भी चीज़, या वो आपका मैसेज ही क्यों ना हो, बिकॉज मैं एक एक करके सारे मैसेजेस रीड करता हूँ एंड फालतू का टाइम लगता है उसमें, सो डोंट स्पैम, ठीक है। मुझे कन्फ्यूजन भी हो जाती है, फिर आपने इतनी बार जीरो 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 लिख दिया, मुझे लग रहा है इतने सारे लोग हैं जिनको नहीं आता है, बट वो आपने ही लिखा है 10-15 बार जीरो। चलो, सो देर आर फ्यू पीपल जिनको नहीं आते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और स्पैम मत करो यार, मैं बहुत कन्फ्यूजन होती है स्पैम करते हो तो। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना आपके, बबल सॉर्ट, सेलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये आपको पता होना ज़रूरी है। इनका यूज़ नहीं करते हैं, इनका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इन कोडिंग राउंड्स, वी डू नॉट यूज़ देम बिकॉज ये थोड़े से स्लो होते हैं, एंड ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये फास्ट होते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग दिस क्विक सॉर्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग क्विक सॉर्ट, ठीक है। लेकिन हम अभी इन सभी को देख लेंगे, बिकॉज जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था वाइल आई वॉज गिविंग द SAP इंटरव्यू, दैट वॉज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑल दीज सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। एंड मेरे से नहीं, बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है, वॉट आर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दीज एल्गोरिदम्स। अब फॉर एग्जाम्पल, लेट मी आस्क यू गाइज, वॉट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बताइए। या आई विल टेल दैट ऑल्सो कि STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज होता है, सब कुछ बताएंगे। तो बेसिकली ईच वन ऑफ यू इज राइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एज UV ने बिगो फैन लिखा है। UV बिगो फैन होती है कि कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की? आशु, विशाखा, यू आर राइटिंग लॉग इन फॉर बबल सॉर्ट। हाउ लॉग इन? जस्ट थिंक ऑफ इट, एक बार फिर से सोचो, रिकॉल करो, व्हाट इज अ बबल सॉर्ट, व्हाट इज द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। TMR इज ऑल्सो राइटिंग लॉग इन। ओके, आदित्य, बिगो फैन, वाई बिगो फैन, ठीक है। सतीश ने भी बिग ऑफ एन लिखा है, क्विक का है ना, सभी बताएंगे आपको। देखो कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, बट आई विल टेल यू व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड। चलो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बबल सॉर्ट से ही, ठीक है, बबल सॉर्ट से ही हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, और आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी इवन इफ यू नो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है, कुछ नई चीज़ आपको जानने को मिलेंगी। चलो तो ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, लेट मी टेक अ रैंडम एरे, एक मैं रैंडम एरे ले लेता हूं, आपको मैं कोड करके तभी बताऊंगा इफ यू वांट द कोड, ठीक है। इफ यू वांट द कोड देन ओनली आई विल बी कोडिंग, अदरवाइज आई विल जस्ट टेल यू द कॉन्सेप्ट एंड देन मूव अहेड। ओके, तो हमारे पास एक एरे है, रैंडम एरे है, ठीक है। सो लेट मी टेक इट 5, 7, 2, 1, 3 एंड लेट्स से 9, डोंट टेक 9, लेट अस टेक हियर 4, ओके। सो नाउ बबल सॉर्ट, व्हाट डज बबल सॉर्ट डू इज इट कंपेयर्स टू एडजेसेंट एलिमेंट्स, दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, ठीक है। यार अंकिता, आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द ट्री एल्गोरिथम्स फॉर श्योर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, वेरी नेक्स्ट वीक, ओके। जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ ब्रेक फ्रॉम ट्री, ठीक है। ट्री हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देर विल बी लेक्चर्स कमिंग ऑन ट्री एज वेल,
वी विल बी कंटिन्यूइंग ट्री. आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज लेफ्ट, सो आई विल डू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी आप इस पर फोकस कर लो फॉर टुडे सेशन. जस्ट फोकस ऑन द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स एंड वी विल सॉल्विंग अ गुड सम गुड क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल. तो अभी देखो बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, वी कंपेयर द टू एडजेसेंट एलिमेंट्स. पहले 5 को 7 को कंपेयर किया. नाउ वी वॉन्टेड टू बी एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू स्वैप दैम. वी विल स्वैप 5 एंड 7. सो 7 कम्स हियर एंड 5 गोज हियर. ऑल राइट, देन वी विल बी कंपेयरिंग 7 एंड 2, नॉट 7 एंड 2, एक्चुअली 5 रिप्लेस 7, राइट. सो वी विल बी कंपेयरिंग 5 एंड 2. इनको रिप्लेस मैं यहीं पर कर देता हूँ, अदरवाइज वी विल गेट कन्फ्यूज. ओके, यहीं पर रिप्लेस करते हैं इनको. What is this? Money Heist season 5 complete. What is this? ये series, अभी series मत देखो, अभी focus on the class. देखो अभी ये यहाँ पर इन दोनों को हमने swap कर दिया. So after the swapping, 7 is going to come at the first place, 5 is going to go to the second place. ये हो जाएगा, ठीक है. एक सेकेंड, पहले क्या था? It was 5 and 7, right? So this is correct. ये ऑर्डर करेक्ट है, दिस द करेक्ट ऑर्डर. सॉरी फॉर दैट, 5 इज स्मॉलर देन 7, सो दीज टू आर सॉर्टेड, इट इज़ फाइन. ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. वी विल बी कंपेयरिंग 2 एंड 7. 2 7 को कंपेयर किया हमने, तो 2 इज ग्रेटर देन, 2 इज स्मॉलर देन 7, सो इट शुड कम बिफोर 7. सो इन दोनों को हम लोग स्वैप करेंगे. ठीक है, 7 की पोजिशन 2 के बाद है, 2 की पोजिशन 7 से पहले है, तो करेक्ट ऑर्डर नहीं है, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू स्वैप देम. तो इनको स्वैप मार देंगे. स्वैप मारने के बाद 2 इज गोइंग टू कम हियर, 7 इज गोइंग टू गो देयर, 2 एंड 7. फिर अगले दो एलिमेंट कंपेयर होंगे, यानी कि ये दोनों. सो आफ्टर कंपेयरिंग देम, 1 इज गोइंग टू कम हियर एंड 7 इज गोइंग टू गो टू द वंस पोजिशन, 1 7. इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है. फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, वी आर कंपेयरिंग 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स. ठीक है, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा एंड यहाँ पर 7 आ जाएगा, इस तरीके से. फिर लास्ट में इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहां पर 4 और यहां पर 7 आ जाएगा. सो आप लोग ऑब्जर्व अगर करें इसको, तो ये एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई है. यहां से यहां तक हम स्वैप मारते चले गए, पहले इन दोनों को स्वैप करा, फिर इस पोजीशन को स्वैप किया, फिर इस पोजीशन इसको स्वैप किया. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन, क्या हुआ इवेंचुअली, व्हाट इज द थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व दैट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन? कोई मुझे बता सकता है इसमें क्या हुआ है अभी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सो बेसिकली जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, द लार्जेस्ट एलिमेंट विच वॉज 7, ये अपनी सही पोजीशन पे, करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है. अभी आपको बहुत अच्छी चीज़ इसमें दिखने वाली है, काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें दिखेगी आपको, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा. सो जस्ट फोकस. अभी हम लोग इसकी जब नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, आई विल नॉट बी डूइंग द नेक्स्ट आइट्रेशन. नेक्स्ट आइट्रेशन करने के बाद क्या होने वाला है बताइए. सब लोग ठीक कह रहे हैं, मैक्स एलिमेंट लास्ट में चला गया, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा? अब द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी रीचिंग टू इट्स करेक्ट पोजिशन, दैट इज दिस. तो 5 अपनी करेक्ट पोजिशन पे पहुंच जाएगा, फिर अगली बार 4 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फिर 3 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फिर 2, फिर 1. इस तरीके से सारे एलिमेंट्स अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचते चले जाएंगे एंड हमें कुछ आइट्रेशंस, कुछ नंबर ऑफ आइट्रेशंस करने पड़ेंगे. तो इन द वर्स्ट केस, सबसे बुरे केस में आपको क्या लगता है, आपको कितने आइट्रेशंस करने पड़ेंगे ये बताइए मुझे. हाउ मेनी आइट्रेशंस विल आई हैव टू डू इन द वर्स्ट केस, बताइए, सोच के बताइए थोड़ा सा, ठीक है. प्लीज एवरीवन डू रिस्पॉन्ड. अभी मैं बताता हूँ आपको करेक्ट आंसर इसका, बट ठीक है,
मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइटिंग द करेक्ट आंसर. आपको अगर आप इसको क्लोजली देखें तो आपको एन माइनस वन आइट्रेशंस लग सकते हैं इन द वर्स्ट केस. वाई एन माइनस वन आइट्रेशंस? द रीजन इज देर आर टोटल एन एलिमेंट्स एंड यू आर पिकिंग यू आर इन वन आइट्रेशन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर प्लेसिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट एट द एंड. गॉट इट? सो यू आर प्लेसिंग वन एलिमेंट एट इट्स करेक्ट पोजिशन इन वन आइट्रेशन. एक आइट्रेशन में आप एक एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजिशन पे पहुंचा रहे हो, बट देर आर एन एलिमेंट्स, लेकिन नंबर ऑफ आइट्रेशन आपकी एन माइनस वन लगेंगी. क्यों? क्योंकि आप अगर एन माइनस वन एलिमेंट्स को करेक्ट पोजिशन पे पहुंचा देते हो, अगर आप आउट ऑफ एन अगर आप एन माइनस वन एलिमेंट्स को उनकी करेक्ट पोजिशन पे पहुंचा देते हो, तो जो लास्ट एलिमेंट बचेगा ना, दैट एलिमेंट विल बी इन इट्स करेक्ट पोजिशन ओनली. डू यू एग्री और नॉट? यस और नो? नहीं समझ में आया, प्लीज़ राइट एन इन द चैट. इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ राइट वाई इन द चैट. मैंने आपके लिए छोटा कर दिया, ठीक है? येस और नो लिखने में जिसको आलस आती है, प्लीज़ राइट वाई एंड एन इन द चैट. रजत, व्हाट इज योर कन्फ्यूजन? एंड वन मोर पर्सन इज देयर. रजत डोंट स्पैम, एक ही बार लिखना. दूसरा है पृथ्वीराज, व्हाट इज योर कन्फ्यूजन पृथ्वीराज एंड रजत? प्लीज मीन वाइल अदर्स आर रिप्लाइंग, जल्दी से लिख दो सो दैट आई कैन क्लियर दैट एंड मूव अहेड. वन मोर इज देयर, जमाल, शिवली जमाल, अपना कन्फ्यूजन बताइए जल्दी जल्दी से. भैया मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट सिखा दो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ दिस. मैं बता दूंगा, मर्ज सॉर्ट भी करेंगे, क्विक सॉर्ट भी करेंगे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? और यू कैन ऑल्सो राइट जीरो और वन. ना ना ना, जीरो वन नहीं, यस और नो ही रहने दो यार. रजत इज सेइंग नेटवर्क इश्यूज, सो फिर से रिपीट करो. सो रजत एक काम करो ना, तुम थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर लो, तुम थोड़ा सा पीछे चले जाओ, यूट्यूब का जो वो आता है ना, थोड़ा सा पीछे करके देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है. चलो सो अब सबको क्लियर है, ठीक है? सबको क्लियर है, लेट अस मूव अहेड. सो लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव, ये गिवन एरे है, दिस इज द गिवन एरे, ओके? हाउ मैनी आइट्रेशंस विल इट टेक टू सॉर्ट दिस वन? ये बताइए आप, इसमें कितनी आइट्रेशंस लगने वाली हैं? भैया बट अगर एक एलिमेंट के एन माइनस वन एलिमेंट्स के थ्रू आइट्रेट करना पड़ रहा है, तो एन माइनस वन टू एन होगी ना, दैट इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. मैं पूछ रहा था नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी लग रही हैं, आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दी, कोई बात नहीं, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? यूवी जीरो, देखो एक आइट्रेशन तो मुझे करनी ही पड़ेगी, इवन दो इट इज सॉर्टेड आई विल हैव टू डू एटलीस्ट वन आइट्रेशन. होता क्या है बबल सॉर्ट में, होता क्या है बबल सॉर्ट में, एक्चुअली ये होता है जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था ना, इस एग्जाम्पल में जब ये पूरा सॉर्ट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आइट्रेशंस लगाना बंद कर दूंगा. जब तक मुझे लगता है कि सॉर्ट नहीं हुआ, तब तक मैं इस पे आइट्रेशंस लगाता जाऊंगा. इन द वर्स्ट केस आई विल डू एन माइनस वन आइट्रेशंस, उसके बाद मुझे आइट्रेशंस नहीं करनी पड़ेंगी. लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सॉर्ट हो गया या नहीं हुआ? हाउ विल आई नो दैट द एरे इज सॉर्टेड और नॉट? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हर एक आइट्रेशन में यू आर स्वैपिंग. अगर गड़बड़ पोजीशंस पे है ना, जैसे वी विल कंसिडर दीज टू एलिमेंट्स, अगर ये गड़बड़ पोजीशन पे हैं, वी आर गोइंग टू स्वैप देम, हम इनको स्वैप करने वाले हैं, ठीक है? टू फाइव को स्वैप कर देंगे, टू यहाँ आ जाएगा, फाइव यहाँ आ जाएगा. अगर आपने एक आइट्रेशन करी और उसमें आपने एक भी स्वैप परफॉर्म नहीं किया, अगर आपने एक आइट्रेशन करी और उसमें एक भी स्वैप परफॉर्म नहीं किया, दैट मीन्स यू शुड स्टॉप आइट्रेटिंग नाउ, यू शुड स्टॉप आइट्रेटिंग, ओके? फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर है, ठीक है, इसमें मैंने इन दो एलिमेंट को पहले कंपेयर किया, आई विल नॉट हैव टू स्वैप देम बिकॉज वन इज स्मॉलर देन टू. देन टू थ्री को कंपेयर किया, आई विल नॉट हैव टू स्वैप देम बिकॉज टू इज स्मॉलर देन थ्री. देन थ्री फोर को कंपेयर किया, स्वैप नहीं करना है. देन फोर फाइव को कंपेयर किया, नो स्वैप. आई कंप्लीटेड एन आइट्रेशन विदाउट एनी स्वैप्स, सो आई शुड स्टॉप नाउ, द एरे इज सॉर्टेड. सो टू नो दैट द एरे इज सॉर्टेड, आई विल हैव टू लुक दैट हैव आई परफॉर्म एनी आइट्रेशन और नॉट, ठीक है? नो स्वैपिंग मीन्स सॉर्टेड, एब्सोल्यूटली. सो
टू वेरीफाई दैट इट इज सॉर्टेड और नॉट वी विल हैव टू डू एटलीस्ट वन आइट्रेशन एंड या वन आइट्रेशन में काम हो जाएगा. नाउ टेल मी वर्स्ट केस वी डिस्कस वन ऑफ द लेट्स से मीडियम केस. ओके एवरेज केस. सो इन दिस एवरेज केस एट इन द वर्स्ट सिनेरियो वी कैन डू एन माइनस वन आइट्रेशन राइट. वॉट इज द टाइम, लिसन वेरी केयरफुली, ओके आई नीड द करेक्ट आंसर फॉर दिस. वॉट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन आइट्रेशन, एक आइट्रेशन करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है टू डू वन आइट्रेशन, बताइए. What will you have to do for that one iteration and what will be the time complexity? Advanced bubble sort name ka bhi ek algo hota hai. So this is the advanced bubble sort only. That is what I am teaching here. Okay, Santosh, you are not correct. Akash, you are not correct. John Cook, you are not correct. Devender, you are not correct. I am asking one iteration. एक पूरा पूरा आइट्रेशन. इन दैट यू विल हैव टू कंपेयर दीज टू, देन यू विल हैव टू कंपेयर दीज टू, देन दीज टू, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू विल हैव टू कंपेयर. इट इज गोइंग टू टेक बिग ओ ऑफ एन एक आइट्रेशन के लिए. समझ में आया क्या? देवेंद्र तुम बताओ तुम्हें समझ में आया? जॉन कुक आप बताओ? देन हु एल्स? आकाश एंड सुबोध एंड अच्छा अच्छा संतोष. संतोष बताइए बताइए, समझ में आ गया? एक बार यस लिख दो जल्दी से आप लोग, ठीक है? सो ओके नाइस. वन आइट्रेशन बिग ओ ऑफ एन. इन द वर्स्ट सिनेरियो वी कैन हैव एन माइनस वन आइट्रेशन. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बिकम एन माइनस वन इंटू एन. दैट इज नथिंग बट एन स्क्वायर माइनस एन. बट इफ वी आर फाइंडिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देन वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस टर्म. सो ओनली बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर. बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? The time complexity is big O of n square. Why? Because in one iteration, it is going to take big O of n. And in the worst scenario, we are going to have n minus 1 iteration. इसीलिए time complexity is n square. All right. But the interviewer is not going to ask you the time complexity of bubble sort. He will say, what is the best case scenario in the bubble sort? What is the best case time complexity of the bubble sort? So the best case time complexity of the bubble sort is when the given array is sorted. अब इस केस में क्या है? इस केस में यू विल हैव टू परफॉर्म ओनली वन आइट्रेशन. कंपेयर करेंगे आप हर बार एलिमेंट्स, यू विल कंपेयरिंग दीज टू एलिमेंट्स, देन दीज टू, देन दीज टू. बट यू विल नो दैट यू डिडेंट परफॉर्म एनी स्वैप इन दिस पर्टिकुलर आइट्रेशन. इस आइट्रेशन में आपने कोई स्वैप किया ही नहीं, तो इन फ्यूचर भी आप क्यों आइट्रेट करोगे? सो आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन यू आर गोइंग टू स्टॉप एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गोइंग टू बी बिग ओ ऑफ एन. दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन. So this time complexity is called the best case time complexity. अच्छा इसको big O नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं I guess omega. Omega is the best case, right? Let me also verify. I think omega ही denote करते हैं हम लोग best case की, ठीक है? Omega for best case and theta for average case and big O for the worst case. इसकी big O time complexity, big O मतलब worst case. Big O तो n square है और average भी n square है. बट इसका इसका जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ एन है. तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना इंटरव्यूज में जाते टाइम कि कौन से एल्गोरिथम की कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट केस भी, एवरेज केस भी और वर्स्ट केस भी, ठीक है? एवरीवन गॉट इट? सबको समझ में आ गया? मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया कब बेस्ट केस होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट केस. आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको. ओके तो यही है. देखो वेन एवर यू आर स्टडिंग समथिंग और मे बी इन द पास्ट यू मस्ट हैव कवर्ड दोज थिंग्स, बट कुछ चीज़ें रह जाती हैं, फ्यू थिंग्स आर ऑलवेज लेफ्ट. सो आई एम जस्ट पिन पॉइंटिंग दोज थिंग्स विच यू माइट हैव मिस्ड. ओके काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं जब हम लोग करते हैं ना ये सारी चीज़ें. वी जस्ट लुक एट दी बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, वी जस्ट लर्न द कोड टू बबल सॉर्ट, बट एट द एंड वी डोंट नो व्हाट इज़ द बेस्ट केस, व्हाट इज़ द वर्स्ट केस. तो ये सब थोड़ा सा इंटरव्यू में पूछ लेते हैं एंड बेकार चला जाता है इंटरव्यू अगर नहीं पता हो ये सारी चीज़ें. तो ऑल राइट, लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव टू द सेकंड एल्गोरिथम. इसका कोड चाहिए क्या नहीं चाहिए? डू यू वॉन्ट द कोड फॉर दिस और नॉट? क्विकली एवरीवन राइट इन द चैट यस और नो, वाई और एन. थैंक्स सुभदीप फॉर लाइटिंग अप द चैट. थैंक्स रजत.
थैंक्स हेमंत, शुभदीप एंड पृथ्वीराज। नहीं चाहिए कोड, एब्सोल्युटली नो वन वांट्स द कोड हियर। ओके, नो इश्यूज, अगले एल्गोरिदम पे चल लेते हैं। एवरेज एंड द वर्स्ट सेम है, या एवरेज में, एवरेज केसेस में आपका भी एन स्क्वायर होता है, और जो आपका वर्स्ट केस है उसमें भी एन स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर होता है। या ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एल्गोरिदम, दैट इज सेलेक्शन सॉर्ट। ओके, सेलेक्शन सॉर्ट याद है क्या सबको? सेलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? डू यू रिमेंबर व्हाट इज सेलेक्शन सॉर्ट? बहुत इजी एल्गोरिदम है ये सिलेक्शन सॉर्ट। भूल गए ना, पता है। सो वी आर गोइंग टू कवर दिस, यही एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ओहो, लेट अस, यस, ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा। सो नो हैवेंट लर्न, कोई बात नहीं, लर्न नहीं किया या भूल गए हो, जस्ट फोकस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसने सीख लिया है वो भी एक बार फोकस कर लो यहाँ पर। तो बेसिकली सेलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक पोजिशन। पोजिशन क्या होती है? ये वाली पोजिशन, स्टार्टिंग वाली पोजिशन। ठीक है, स्टार्टिंग वाली पोजिशन के लिए हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। सो आफ्टर सॉर्टिंग, वॉट शुड बी देयर एट द स्टार्टिंग वाली पोजिशन? वॉट शुड बी हेयर एट दिस पोजिशन? यू नो राइट, सबको पता है, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट शुड बी हियर। सो वॉट वी डू इज, वी ट्रेवर्स, वी डू आइट्रेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट विच इज अवेलेबल। ओके, द मिनिमम एलिमेंट विच इज अवेलेबल इज वन। यहां से यहां पूरा ट्रेवर्स करके देख लो, यहां से यहां पर पूरा ट्रेवर्स करके देख लो, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करो, मिनिमम एलिमेंट इज वन। तो वन को सेवन से स्वैप कर दो, स्वैप सेवन विथ वन। सो सेलेक्शन सॉर्ट मीन्स वी सेलेक्टेड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फॉर द पर्टिकुलर लोकेशन। सो वन विल कम हियर एंड सेवन इज गोइंग टू गो एट दिस पोजिशन, सेवन विल रीच हियर। ऑलराइट, नाउ दिस पार्ट इज सॉर्टेड, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ओके, नेक्स्ट इज दिस पोजिशन, वी वॉन्ट टू फाइंड वॉट शुड बी द एलिमेंट दैट शुड कम एट दिस पोजिशन। फिर अगेन स्टार्ट रिवर्सल फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां से यहां पर ट्रेवर्स करो, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट इज टू। ओके, स्वैप टू विथ फाइव, फाइव विल कम हियर, टू विल कम हियर। सो अब इतना पार्ट इज सॉर्टेड, ओके, दिस मच पार्ट इज सॉर्टेड नाउ। ओके, देन अगेन फॉर दिस पोजिशन, ट्राई फाइंडिंग फॉर दिस पोजिशन, यू विल हैव टू सर्च फ्रॉम हेयर टू हेयर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज फोर, सो फोर इज गोइंग टू कम हेयर, नो नो नो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज थ्री, सो थ्री इज गोइंग टू कम एट दिस पोजिशन। सो नाउ यू गॉट द हिंट, राइट? आपको हिंट मिल गया है। वॉट वी डू इज, वी गो टू ईच पोजिशन वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। शुरू से लेकर एक हर एक पोजिशन पे हम लोग जाते हैं एक एक करके, वी ट्राई फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द एलिमेंट विच आर ऑन द राइट साइड। मतलब जो एलिमेंट रह गए हैं सॉर्ट होने से, लाइक दीज आर ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट? तो इस पोजिशन के लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, एंड वी विल बी सर्चिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट आउट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। दैट एलिमेंट विल बी प्लेस्ड ओवर एट दिस पोजिशन। दिस दिस इज इन टू मच टाइम कंज्यूमिंग, इज इन इट टू मच टाइम कंज्यूमिंग? या दिस इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। लाइक फॉर ईच प्लेस यू विल हैव टू सर्च फॉर द एंटायर एरे विच इज ऑन द राइट साइड। पूरा आपको जाना पड़ रहा है ना, इस पोजिशन के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक सर्च मारनी पड़ रही है, देन इस पोजिशन के लिए यहाँ से यहाँ तक सर्च मारनी पड़ रही है। तो पहली बार में तो आपने क्या किया, पहली बार में ना आपने बिगो आपने आप एन एलिमेंट्स पे गए हो पहली बार में, इन द वैन यू आर फाइंडिंग द करेक्ट पोजिशन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। सो आई मीन वैन यू आर फाइंडिंग द करेक्ट एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट पोजिशन, यू वेंट टू एन एलिमेंट्स, आप एन एलिमेंट्स पे गए हो, है ना, स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए। तब आपको पता चला है कि इस पोजीशन का करेक्ट एलिमेंट क्या है। फिर चलो ये तो चला गया, इतना तो हो गया। उसके बाद आप एन माइनस वन एलिमेंट पे गए हो अगली बार, उसके बाद आप एन माइनस टू एलिमेंट्स पे गए हो अगली बार, फिर एन माइनस थ्री एलिमेंट्स पे गए हो। समझ रहे हो ना, जैसे जैसे सॉर्ट होता चला जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट्स कम भी होते जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज राइट वाई इन द चैट इफ यू आर गेटिंग दिस। एवरी वन,
एंड डू राइट एन इन द चैट इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, वो लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी है इंपॉर्टेंट आगे बढ़ने के लिए, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मुझे दोबारा से समझाने के लिए. ओके नाइस. तो आपके एलिमेंट्स कम होते जा रहे हैं. सो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस करते 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 वन तक. सो इट विल बी वन इन सिंपल टर्म्स, इट विल बी वन प्लस टू प्लस, इसको रिवर्स करके लिख रहा हूँ, प्लस थ्री प्लस करते 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 एन तक. सेम है, ये दोनों सेम चीज़ है. मैंने इसको इसलिए उल्टा कर दिया क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता है, यू नो द फॉर्मूला फॉर दिस, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस करते करते एन तक. दिस इज एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है इसका, विच इज़ नथिंग बट एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई टू. बट जहाँ भी एन स्क्वायर का टर्म आ गया, वी विल से दैट इट इज़ एन एन स्क्वायर सोल्यूशन, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन. ठीक है, बाकी टर्म्स को इग्नोर करते हैं. वॉट इज इन द डिनोमिनेटर, वॉट इज मल्टीप्लाइड, वॉट इज द मल्टीपल, दिस डिनोमिनेटर, वॉट इज, वॉट आर द टर्म्स विच आर स्मॉलर देन एन स्क्वायर, वी आर गोइंग टू इग्नोर ऑल ऑफ दोज टर्म्स. एन स्क्वायर होता, बिग वन होता, कुछ होता, या फिर थ्री एन होता, हम सब इग्नोर कर देते. हाइएस्ट पावर इज एन स्क्वायर, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी. टेल मी द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम. टेल मी एवरी वन, टेल मी द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम ऑफ सेलेक्शन सॉर्ट. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस. सुफियान इज सेइंग बिग ओ ऑफ एन, अंकुर इज सेइंग बिग ओ ऑफ एन, सुभदीप इज सेइंग बिग ओ ऑफ एन, फ्लेम अल्केमिस्ट इज सेइंग बिग ओ ऑफ एन माइनस वन, अभिनव इज सेइंग बिग ओ ऑफ एन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुश इज सेइंग बिग ओ ऑफ एन, माधव इज सेइंग बिग ओ ऑफ एन, रोहन, हेमंत, कुक, प्रतीक, बिल्कुल ठीक है. बिग ऑफ एन इज नॉट द करेक्ट आंसर. वाई वाई बिग ऑफ एन इज नॉट द करेक्ट आंसर? बिकॉज यू आर स्टिल ट्रेवर्सिंग द एंटायर एरे. लेट मी शो यू, वन टू थ्री फोर फाइव, ये वाला केस ले लेते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव, आप क्या करने वाले हो, आप ना इस वाले पोजीशन के लिए, फॉर द फर्स्ट पोजीशन यू आर गोइंग टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, लाइक द एलिमेंट दैट शुड कम एट द फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, तो आप सर्च मारोगे, यहाँ से लेकर पूरा सर्च करोगे, नहीं मिलेगा. ठीक है, वन से छोटा नहीं मिलेगा एलिमेंट, सो यू आर नॉट गोइंग टू स्वैप वन विथ एनीथिंग. वन इज द करेक्ट पोजीशन, बट यू स्टिल हैड टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, यू स्टिल हैड टू गो टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. फॉर द सेकेंड प्लेस ऑल्सो you had to go from, because you don't know. So iska best case bhi n square hai, average case bhi n square hai, worst case bhi n square hai, ye bhi aapka n square hai, theta bhi aapka n square hai, aur aapka worst case big o notation bhi n square hai for the selection sort. theek hai, selection sort aapko स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक केस में आपको फायदा नहीं देने वाला है. इसका इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेस्ट केस वर्स्ट केस सेम है. सॉर्टिंग टेक्निक, गॉट इट. ओके एवरीवन, सबको समझ में आ गया? Then why should we learn? Nice question. For the interviews, to crack the interviews. यार आपको कंप्यूटर साइंस लेनी थी, you had to take computer science in the college. Why did you learn physics, chemistry? For the JEE marks, right? JEE के marks के लिए चाहिए था ना physics, chemistry. That's the reason.
all the worst case, so that you know this is for the worst case scenario. Yes. चलिए हमारे यहाँ पर यही होता है. वी हैव टू लर्न थिंग्स फॉर द एग्जाम्स. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लर्निंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्विक सॉर्ट. वही तो मैंने बताया, द पॉइंट ऑफ लर्निंग इज सिंपल यार. पता है आपको भी पता है, हमें भी पता है. व्हाई डू यू आस्क भैया. इसका बेस्ट केस भी एन स्क्वायर. यस यस, इसका बेस्ट केस भी एन स्क्वायर है. इज द वन स्क्वायर पर इटरेशन इज कंपेयर टू ओवल सॉर्ट. नहीं, इसमें हम लोग पता नहीं कर पाएंगे ना. स्वदीप अभिषेक सिंह सर, सिलेक्शन सॉर्ट से एडवांटेज होता कि सिलेक्शन सॉर्ट से एडवांटेज होता ना कि वन टू आई इटरेट जैसे सॉर्टेड. अभिषेक आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू राइटिंग. जिससे सॉर्टेड एरे में होना चाहिए. आई डेंट गेट दैट. क्या लिखा है. कैन बेस्ट केस बी बेटर देन एन स्क्वायर. नो. मे बी हाउ टू गेट द थॉट प्रोसेस. डोंट गो फॉर द थॉट प्रोसेस फॉर दीज बेसिक एल्गोरिथम्स. लाइक जस्ट अंडरस्टैंड दीज एल्गोरिथम्स. राइट. थॉट प्रोसेस आपको अपने क्वेश्चंस में लगाना है. थैंक यू हेमंत फॉर लाइटिंग अप द चैट. थैंक्स जॉन कुक फॉर गिविंग मी 1, 2, 3, 4, 5, 8 or 9 स्टार्स. मे बी ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं भैया. हम इसको एन लॉग एन में इम्प्रूव कर सकते हैं. वी विल बी डूइंग दैट. चलिए लेट अस लुक एट इंसर्शन सॉर्ट. इंसर्शन सॉर्ट बता देता हूँ आपको, ठीक है. व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट. तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है. अरे ये तो सॉर्टेड अरे, गलत वाले पे मैंने एफर्ट्स डाल दिए मिटाने के. जस्ट होल्ड ऑन, अभी मैं बताता हूँ आपको. यस. So here we have the array, and in this array we want to perform the insertion sort. Okay, and let me take this element to be 9. Okay, now what we do is we divide the array into two parts, a sorted part and an unsorted part. We divide the array into two parts, a sorted part and an unsorted part. Okay, तो जो हमारा sorted part है ना, उसमें पहले initially one element है, मतलब element है. So can anyone tell? कैन एनीवन टेल इज इट सॉर्टेड और नॉट. अगर यही मेरा पूरा एरे होता, ये मेरा पूरा एरे होता अगर, तो ये सॉर्टेड होता या नहीं होता. वन एरे, सॉरी एक एलिमेंट के अंदर, सॉरी एक एरे के अंदर एक एलिमेंट है, दैट एरे इज ऑलवेज सॉर्टेड. ठीक है, एन एरे विथ वन एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड. क्या लिख रहे हैं चैट में. इज देयर एनी एग्जांपल वेयर यू कैन यूज सेलेक्शन सॉर्ट इंस्टेड ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. आई डोंट नो दैट. मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट एक्सप्लोर दैट. वेयर इज सेलेक्शन सॉर्ट यूज्ड. व्हाई देयर इज नॉट पार्शियली सॉर्टेड. व्हेन द एरे इज नॉट पार्शियली सॉर्टेड. मेमोरी यूजेज कंस्ट्रेंट्स. व्हेन अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज डिजायर्ड. व्हेन द एरे सॉर्टेड टू बी रिलेटिवली स्मॉल. ये सब सिचुएशंस लिखी हुई हैं इसमें. तो एरे सॉर्टेड छोटा होना चाहिए एरे. बट व्हेन शुड बी यूज. ओके एक सेकेंड देख लेते हैं ये भी साथ ही साथ. आग लगा दी. सर मैं कह रहा था कि अगर सिलेक्शन सॉर्ट इटरेट तक चलाओ तो 1, 2, i इटरेट सॉर्टेड होगा, जैसे कि होल सॉर्टेड एरे में होना चाहिए. यस भैया, इसको रिकर्सिवली भी सॉल्व कर. रिकर्सिवली यस वी कैन डू दैट. हेमंत वेटिंग फॉर योर एपिक डायलॉग. दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन सॉर्टिंग एल्गोरिथम. सो मेकिंग देम फास्ट भैया. ओपी आ कुछ कही. यस यस ऑल राइट गुड. लेट मी जस्ट क्विकली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल
One should ask why use a quadratic sorting algorithm when asymptotically faster algorithms exist, like merge sort and quick sort for less than 20 elements. Both the insertion sort and the selection sorts are typically faster than okay. In fact, many sorting algorithms based on the divide and conquer paradigm switch. To insertion sort or selection sort when the array is small enough. So basically, they are saying that when the array is small enough, then these n square algorithms, जैसे selection sort हो गया, insertion sort हो गया, the time, not the time complexity, सिर्फ time की बात कर रहा हूँ मैं, the performance, the time is lesser as compared to the other algorithms. देखो, जो हम लोग और algorithms सीखने वाले हैं ना, quick sort, merge sort, n log n complexity होती है उनकी, एन स्क्वायर होती है जो हम लोगों ने अभी सीखे हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी. तो दिस इज मच बेटर, एन लॉग एन इज मच बेटर. बट होता क्या है, वो होते हैं डिवाइड एंड कंकर, उसमें रिकर्जन कॉल होता है, ठीक है. ऑल दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है बट रन टाइम ज़्यादा हो जाता है. अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है आपका कि आपने कितने आइट्रेशन करे हैं, नॉट आइट्रेशन, मतलब आपने कितना यूनिट ऑफ टास्क किया है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एन है तो आपको कितने यूनिट टाइम लगने वाला है, एन लॉग एन यूनिट टाइम लगने वाला है. नंबर ऑफ यूनिट एन स्क्वायर है तो आपको एन स्क्वायर टाइम लगने वाला है, एन स्क्वायर यूनिट टाइम लगने वाला है. तो एन स्क्वायर इज मच मोर देन एन लॉग एन, बात क्लियर है. बट हो सकता है वो वन यूनिट ऑफ टाइम इसके लिए बहुत कम हो, वन यूनिट ऑफ टाइम हो सकता है इसके लिए बहुत ज़्यादा हो, ठीक है. अब मान लो कि आपका जो एन है ना, वो आपका एट है, एट. सो अगर n 8 है, मतलब 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 64 लगेगा इसमें, है ना, 8 इज़ 64 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा इसमें. और इसमें कितना टाइम लगेगा, 8 इंटू लॉग ऑफ 8 विद द बेस 2 इज गोइंग टू गिव अस 3, लॉग 8 विद द बेस 2 3 देता है. तो 8 3 ज़ा 24 यूनिट ऑफ टाइम लगा इसमें, इसमें काफ़ी कम लगा, है ना. जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ना n को, तो ये वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा. थोड़ी सी एन की वैल्यू बढ़ा दोगे, तो मैंने छोटी वैल्यू ली है तो इतना ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. बट अब है क्या इसमें, लेट अस से इसमें रिकर्जन विकर्जन सब कॉल हो रहा था, एन यूनिट्स को परफॉर्म करने के लिए इतना टाइम लगा, लेकिन हो सकता है एक यूनिट को परफॉर्म करने के लिए इसमें लग रहा हो आपके 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स लग रहे होंगे, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट इज़ गोइंग टू गिव अस 120 सेकेंड्स लग गए आपको इसमें. और हो सकता है इसमें आपको 2 सेकेंड्स लगे, नहीं 2 नहीं, 2 में भी वो गड़बड़ हो जाएगी, 1 सेकेंड लगा इसमें आपको, एक यूनिट में 1 सेकेंड लग रहा है, तो 64 सेकेंड्स लगे. तो वहाँ पर डाइवर्सिटी आ जाती है, ठीक है. बट ऐसा बड़े केसेस में जाके नहीं होगा. अगर लेट अस से कि इसमें 1 यूनिट ही लग रहा है, लेट अस से इसमें 5 यूनिट ही लग रहा है, लेकिन एन की वैल्यू बढ़ा दो आप, एन की वैल्यू आप कर दो 32 कर दो एन की वैल्यू, 64 कर दो एन की वैल्यू, 64, तो 64 का स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि एक यूनिट टाइम लग रहा था. यहाँ पर क्या होगा, 64 इंटू 64 विद द लॉग ऑफ 64 विद द बेस 2 इज, इट इज गोइंग टू गिव अस 6 देगा ये, ठीक है, 6 देगा, 6 इंटू एक यूनिट के लिए 5, तो 5 इतने सेकेंड्स लगे. तो ये टर्म फाइंड करो, ये टर्म फाइंड करो, डिफरेंस आ जाएगा कुछ टाइम बाद, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ये आपका हमेशा ज़्यादा हो जाएगा बड़े केसेस में. वैन द वैल्यू ऑफ एन इज लार्ज, तभी बड़ा हो जाएगा. ऑल दो छोटा सा टाइम लगता था इसके एक यूनिट को करने के लिए, इसके यूनिट एक यूनिट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता था, स्टिल आफ्टर सम टाइम, क्योंकि एन स्क्वायर है, कॉम्प्लेक्सिटी ही ज़्यादा है इसकी, इसलिए ये बढ़ जाएगा. समझ में आया क्या, समझ में आया दिस वाई दिस एन स्क्वायर परफॉर्म्स बेटर देन एन लॉग एन वेन द इनपुट इज स्मॉल. इज इट क्लियर टू ऑल? मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताया आपको, बताइए इज इट क्लियर? राइट वाई इन द चैट इफ इट इज क्लियर. यू कैन ऑल्सो सेंड फायर इन द चैट इफ इट इज क्लियर. रेड कलर वाली जो फायर होती है वो सेंड कर देना. यस अंडरस्टूड. जिसको नहीं समझ में आया ना, जिसको नहीं समझ में आया, दे कैन ऑल्सो सेंड वाटर इन द चैट. वो वाटर सेंड कर दो जिनको नहीं समझ में आया. जिनको समझ में आया वो फायर सेंड करेंगे. ओ यश नारंग, आपको समझ में नहीं आया? यश इज देयर, सुदीप सरकार, व्हाट इज टीएलई? टीएलई इज टाइम लिमिट एक्सीडेड. वो बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, बता दूंगा. लिरिकल, लिरिकल को समझ में नहीं आया, देवेंद्र को समझ में नहीं आया,
अरे यार लिरिकल एक बार लिख दो, बस एक बार लिख दो, एक बार में पढ़ लेता हूँ मैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? मैंने तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया। एक सेकंड, चलो यहाँ पर देख लो आप, एक बार और देख लो। एक एल्गोरिथम है एन स्क्वायर का, बिग ऑफ एन स्क्वायर का। एक एल्गोरिथम है एन लॉग एन का। पहले तो लिरिकल, देवेंद्र, ये लोग मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? विच वन इज़ बेटर अमंग दीज टू? विच वन इज़ बेटर अमंग दीज टू? बिट टू कन्फ्यूज। अरे अभी कन्फ्यूज मत हो, यहाँ पर फोकस करो, क्वेश्चन जो मैंने पूछा है वो। कन्फ्यूज मत हो, यहाँ पर फोकस कर लो सब लोग। एन लॉग एन बेटर है ना? बिट्टू ने बताया या नहीं बताया? जिस भाई जिसने गड़बड़ करी थी समझने में, मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो लोग मुझे ज़रूर बता। देवेंद्र, ठीक है, एन लॉग एन अच्छा है, लेकिन जब एन की वैल्यू छोटी होती है ना, एन की वैल्यू जब छोटी होती है ना, तो कभी कभी एन स्क्वायर अच्छा हो जाता है। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। लेट अस से मैं सेलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। इंसर्शन सॉर्ट तो आपका रिकर्जन कॉल नहीं करता, ठीक है? आपका इंसर्शन सॉर्ट रिकर्जन कॉल नहीं करता है। रिकर्जन कॉल करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो मान लेते हैं कि एक एलिमेंट को प्रोसेस करने में ना मेरे को यहाँ पर 1 सेकेंड लगता है, और यहाँ पर मान लेते हैं मुझे एक एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए 5 सेकेंड लग जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ रिकर्जन। एक एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, 1 एलिमेंट, ठीक है? तो एन स्क्वायर एलिमेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? एन स्क्वायर इंटू 1 टाइम, है ना, इतने सेकेंड्स लगेंगे। यहां पर एन लॉग एन ऑपरेशंस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? एन लॉग एन इंटू 5, है ना, एक ऑपरेशन करने के लिए 1 सेकेंड लगता था, तो एन स्क्वायर ऑपरेशन करने के लिए मेरे को एन स्क्वायर टाइम लग जाएगा। यहां पर एन लॉग एन इंटू 5 टाइम लग जाएगा। दिस मच इज क्लियर, राइट? इतना तो क्लियर हुआ, ठीक है? बहुत आराम आराम से समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अब यहां पर एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग रहा है? 4 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं? बिकॉज ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन इज इन्वॉल्व, दैट इज वाई, ठीक है? या रिकर्जन भी है, देन देर आर अदर थिंग्स एज वेल। हम लोग उसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी बनाते हैं मर्ज सॉर्ट में। व्हेन आई विल शो मर्ज सॉर्ट, देन मैं बताऊंगा, ठीक है? तो अभी देखो आगे। तो इसने मान लो कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है बस। अब मैं एन की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इज एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू लेट मी जस्ट कीप इट टू बी 8, 8 रखता हूँ बस। देर आर ओनली 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर कितना टाइम लगेगा? 64 सेकेंड्स, ठीक है? 8 इंटू 8 इंटू 1, 64 सेकेंड्स। यहाँ कितना टाइम लगेगा? 8 इंटू log 8 विद द बेस 2। लॉग एन पता है, लॉग 8 हो जाएगा, लॉग 8 2 3 हो जाएगा आपका, ठीक है? लॉग ऑफ 8 विद द बेस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस हाउ मच? दिस इज गोइंग टू गिव अस 40, 43, 120, 120 सेकेंड्स। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ही अच्छा था, बट टाइम कम दे दिया इसने, टाइम ज़्यादा दे दिया एक्चुअली इसने। ये स्लो हो गया, ये स्लो हो गया छोटे एन के लिए, ठीक है? छोटे एन के लिए ये स्लो हो गया। लेकिन अभी मैं एन की वैल्यू 8 की जगह पे इससे बड़ी वैल्यूज़ लेने लगता हूँ, जैसे 8 की बाद 10, 11, 12, बड़ी बड़ी जैसे करता जाऊँगा ना वैल्यूज़, वैसे वैसे ना ये है जो एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम स्लो रेट से बढ़ेगा, ये एल्गोरिथम बहुत फास्ट रेट से बढ़ जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एल्गोरिथम जो है ना एन स्क्वायर वाला, ये बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा, और उसके बाद ये हमेशा इससे ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है? अब तो समझ में आ गया होगा ना। अब जैसे मैं इसके लिए 8 ले लूँ, अगर अगर मैं 8, मैं अगर एन की वैल्यू 64 ले लूँ, अगर एन की वैल्यू मैंने 64 ले ली, तो कितना टाइम लगेगा? 64 इंटू 64 सेकेंड्स लगेंगे मेरे को इस वाले एल्गोरिथम में, ठीक है? यहाँ कितना टाइम लगेगा? 64 इंटू log ऑफ 64 विद द बेस 2 इज गोइंग टू गिव अस 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये चीज़ देखो बहुत कम है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और ये सिर्फ 64 वैल्यू पे आया है। इससे बड़ी वैल्यू कर दोगे ना आप, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। होता क्या है ना, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ दिस, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बात करते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स द ग्रोथ ऑफ एल्गोरिथम। जो एन लॉग एन है ना आपका, ये धीरे 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 करके बढ़ेगा, ठीक है? धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ये थोड़ा सा इस तरीके से धीरे 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 से करके बढ़ेगा, ये एन लॉग एन का आपका, ठीक है? अब मान लो कि आपका जो एन स्क्वायर है ना, वो भले ही नीचे से स्टार्ट हो जाए, भले ही वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, अभी कम है, लेकिन एक टाइम बाद यूं करके ऐसे करके बढ़ेगा वो। तो
यहां तक वो कम रहा, एक पॉइंट पे बराबर होके क्रॉस कर गया, तो बाद में फ्यूचर में कभी भी वो, अब हमेशा के लिए जो एन स्क्वायर वाला है वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा है एक्चुअली, है टाइम के साथ साथ, जैसे 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 उसका एक्स बढ़ाते जाते हो, एक्स नहीं है यहाँ पर, एन है, जैसे जैसे एन बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उसकी ग्रोथ बहुत हो जाती है। और जो हमारा दूसरा एल्गोरिथम था एन लॉग एन वाला, उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, उसकी ग्रोथ धीरे 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 करके होती है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है वो ज़्यादा हो उसकी वैल्यू, बट एक टाइम बाद एन स्क्वायर ओवरटेक कर ही लेगा। तो हम लोग इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, जब आपका छोटा होता है इनपुट देन यू कैन यूज़ दी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। जब आपका दे रखा हो कि एन 50 है या फिर 40 है या 20 है, तो आप यूज़ कर लो वो इंसर्शन सॉर्ट या फिर आपका बबल सॉर्ट या क्विक सॉरी सेलेक्शन सॉर्ट। तो ईजी भी हैं वो, कोड करने में काफ़ी ईजी हैं वो, ठीक है। गॉट इट? हेमंत सिंह एच स्क्वायर हॉर्लिक्स बहुत पीता है, हॉर्लिक्स से हाइट वाइट नहीं बढ़ती यार, ये कैसे बढ़ जाएगी हाइट? जेनेटिक होती है हाइट, हाइट इज जेनेटिक, कैसे ही नहीं बढ़ती हाइट। आप बस एक काम कर सकते हो, यू कैन हिंडर योर ग्रोथ, आप अपनी हाइट को ग्रो होने से रोक सकते हो, उसको एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते, जितना आपके जीन्स में होगा ना आपकी हाइट उतनी बढ़ेगी। हाइट हिंडर कब हो जाती है? हिंडर जब हो जाती है या तो माल न्यूट्रिशन हो जाए, माल न्यूट्रिशन नहीं है तो इट कैन बी हिंडर्ड इफ़ यू डू जिम, एंड जिम में जाके आप जो लिफ्टिंग करते हो ना, लिफ्टिंग को यूं करके उसको ऊपर उठा लो एंड आपका जो पीछे की बोन है वो कंप्रेस हो जाए, उस केस में हाइट रुक जाती है, ठीक है, एंड माल न्यूट्रिशन रुक जाती है। बाकी किसी भी तरीके से आप हाइट को अल्टर कर ही नहीं सकते, इट इज़ जेनेटिकली डिफाइंड। हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लैन सब बकवास है, ये कैन जस्ट गेट। ओके नाइस, जस्ट अब तो फायर ही फायर हो जानी चाहिए चैट में, सबको समझ में आ गया। तो फराज भाई ओपी, थैंक्स थैंक्स आदिल, थैंक्स हेमंत भैया। बेस्ट केस को कर सकते हैं अगर मैंने एलिमेंट एंड से फाइंड करना स्टार्ट कर दिया, बिग ऑफ एन भी कर सकते हैं अगर मैंने मिन एलिमेंट एंड से फाइंड करना, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पता नहीं आपको पूरा ही पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा मिनिमम फाइंड करने के लिए, दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू। क्लियर भैया? यस भैया, सब फेक है। साइकिलिंग कर सकते हैं, मेसी भी बढ़ाया था, अरे मेसी बढ़ाया था यार, मेसी तो मेसी की तरह तुम बढ़ा लोगे हाइट, को किसी की नहीं बढ़ती है। कैमल मिल्क इंक्रीज, अब ठीक है चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेन। जीन्स नहीं, जीन जीन जीन्स पहनने वाली जीन्स लिख दी आपने गोपाल, हाइट भी होती है। इंसर्शन सॉर्ट हाँ बताना है, बताएंगे भी। मेसी बेस्ट केस को भी, अरे ये नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दैट, सो वो नहीं कर सकते, आपको पूरा सर्च करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट का के लिए ओके, दैट ऑल्सो आई विल टेल। स्टेबल एल्गोरिदम जिसमें कौन से स्टेबल होते हैं, कौन से इन प्लेस होते हैं, दैट ऑल्सो आई विल टेल। बेसिकली हम लोग ना इन प्लेस एल्गोरिदम्स वो होते हैं जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। हमने अभी तक एल्गोरिदम देखे, हमने देखा सेलेक्शन सॉर्ट, हमने देखा बबल सॉर्ट, हम क्विक इंसर्शन सॉर्ट देखने वाले हैं, तो हमने कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ नहीं करी ना, हम उसी एरे को चेंज कर रहे हैं, उसी एरे को हम लोग अल्टर कर रहे हैं जो कि एरे हमें गिवन है, वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, इन प्लेस है, ठीक है, इन प्लेस एल्गोरिदम्स है। कोडिंग की जेनेटिक, कोडिंग भी जेनेटिक है क्या? नहीं, कोडिंग जेनेटिक नहीं है किसी के जीन्स में थोड़ी होती है कोडिंग, गैनेडी के जीन्स में है कोडिंग, उसके पापा ने उसको कोडिंग सिखाई है पहले से। जिराफ के जीन रेप्लिकेट कर लो, अरे भाई ठीक है, बायोलॉजिकल अपना दिमाग मत लगाओ, यू आर नॉट डॉक्टर्स, आप लोग कोडर्स हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो मैंने आपको बता दिया इन प्लेस क्या होते हैं, ये इंसर्शन सॉर्ट भी इन प्लेस है, वी डू नॉट यूज़ एनी एक्स्ट्रा स्पेस। इंसर्शन सॉर्ट में बताने वाला था, अभी थोड़ा सा डेविएट हो गए हम यहाँ से, बट चलिए इंसर्शन सॉर्ट पे चलते हैं। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 7, मैंने पता नहीं 5 7 क्यों लिख देता हूँ मैं पहले, 1 2 6 8, ये हमारा एग्जाम्पल इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, वी डिवाइड एन एरे इनटू टू पार्ट्स, एक एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हो, एक सॉर्टेड एक अनसॉर्टेड। तो इनिशियली मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये जो है सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड एरे है,
यहाँ से यहाँ तक मेरा सॉर्टेड है, यहाँ से यहाँ तक अनसॉर्टेड है। अब मैं एक एक करके अनसॉर्टेड वाले में से एलिमेंट्स उठाऊंगा और उनको सॉर्टेड वाले में रख दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनना, इंसर्शन सॉर्ट है। आई विल बी पिकिंग एलिमेंट्स वन बाय वन फ्रॉम माई अनसॉर्टेड पार्ट। दिस इज अनसॉर्टेड, दिस इज सॉर्टेड। आई विल पिकिंग एलिमेंट्स वन बाय वन फ्रॉम माई अनसॉर्टेड पार्ट एंड आई विल प्लेस दैम इन द सॉर्टेड पार्ट इन इट्स करेक्ट पोजिशन। उसकी करेक्ट पोजिशन पर मैं उसको प्लेस कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, तो सेवन, सेवन को कहाँ प्लेस किया जाए? ऑब्वियसली फाइव के बाद। तो सही है, वो प्लेस्ड, वो प्लेस्ड है अपनी करेक्ट पोजिशन पर। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो अब जो सॉर्टेड वाला पार्ट था वो एक्चुअली बढ़ गया है और अनसॉर्टेड वाला पार्ट जो था हमारा वो श्रिंक हो गया है थोड़ा सा। अनसॉर्टेड कम हो गया, सॉर्टेड बढ़ गया, ठीक है? अगला एलिमेंट उठाया जाएगा, अगला एलिमेंट उठाया जाएगा वन है। वन को इसकी करेक्ट पोजिशन पर इंसर्ट करना है, ठीक है? इंसर्शन सॉर्ट है इसलिए इंसर्ट करना है इसकी करेक्ट पोजिशन पर, सॉर्टेड वाले पार्ट में। तो क्या करेंगे, इसकी सबसे आगे पोजिशन है वन की। तो देखो करते कैसे हैं, ऐसे करते हैं कि हमें पता है वी वॉन्ट टू इंसर्ट वन। तो वन इज़ द एलिमेंट जिस पर हमें फोकस करना है। सेवन से कंपेयर करो, सेवन बड़ा है वन से, तो सेवन को आगे भेजो, सेवन को आगे भेजो, ठीक है? फिर आप फाइव पे आओ, ठीक है? फाइव पे देखो कि फाइव वन से बड़ा है, आप फाइव से कंपेयर करो, ठीक है? फिर फाइव भी वन से बड़ा है तो फाइव को भी एक एक स्टेप आगे भेज दो, फाइव को आगे भेज दो। यहाँ पर सेवन पड़ा हुआ था वहाँ पर, लेकिन सेवन की ज़रूरत नहीं है, सेवन को हम ऑलरेडी आगे भेज चुके हैं। ऑल दो वहाँ पड़ा था वो रिडंडेंट था, देट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? वो जगह खाली कर दी है मैंने एक तरीके से, इससे पहली वाली जगह सेवन से कंपेयर किया था ना, जो सेवन को आगे भेजा था मैंने। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सेवन को तो आगे भेज दिया, वन का क्या हुआ? तो वन को मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल में पहले ही स्टोर करा रखा है, ठीक है? वन पे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना, तो वन को मैंने टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर करा रखा है। सो इस पे मैं प्रोसेस करूँगा अभी, और ये जगह मेरे लिए एज गुड एज खाली है, ठीक है? ये जगह मेरे लिए खाली है अभी। वाई? बिकॉज वन को मैंने टेम्प में स्टोर करा लिया एंड वन एंड आई विल प्रोसेसिंग ऑन दिस। तो ये जगह खाली पड़ी हुई है, तो मैं सेवन से वन को कंपेयर करता हूँ, मुझे पता चलता है कि सेवन इज़ ग्रेटर देन वन। तो सेवन को आगे भेजो ज़रा, ठीक है? इसको आगे भेजो खाली वाली जगह पे, इधर सेवन चला गया। अब ये जगह खाली हो गई, इसमें सेवन पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कोई भी एलिमेंट पड़ा हो मुझे क्या मतलब है, मेरे लिए तो ये जगह खाली है। तो अब मैं वन को कंपेयर करूँगा फाइव से। अगर ये वन, अगर ये फाइव ना वन से छोटा होता ना, फाइव की जगह पे कुछ और होता, जीरो होता, तो मुझे पता चल जाता कि वन की जगह ना यही है, वन की असली जगह यही है। लेकिन फाइव से कंपेयर करने के बाद पता चला कि फाइव वन से बड़ा है, तो फाइव को भी आगे भेज दो तो खाली वाली जगह पे, ये जगह पे, ठीक? अब ये जगह खाली हो गई, ऑल दो फाइव पड़ा है, लेकिन पड़ा रहने दो, हमें फोकस नहीं करना उस पर क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, हमारे लिए वो खाली जगह है। अब इसके बाद कुछ है नहीं, तो वन को यहाँ इंसर्ट करा दो। बिल्कुल हमने तरीके से इंसर्ट करा दिया, ठीक है? अब मैं टू को जब इंसर्ट कराऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा और अच्छे से। फोकस करना भी सभी लोग। अभी अगेन देखो, हमने वन को सही जगह पे इंसर्ट करा दिया, यहाँ पर हमारा सेवन आ चुका है, यहाँ हमारा फाइव है। अब जो सॉर्टेड वाला पार्ट था वो इतना हो चुका, अनसॉर्टेड वाला पार्ट इतना रह गया। अब टू आया, ठीक है? टू को इसकी करेक्ट पोजिशन पर इंसर्ट कराना है। तो पहले तो ये जगह खाली कर लो, खाली कर लो मतलब टू को कहीं टेम्प में सेव करा लो, और मेरे लिए ये जगह खाली हो गई अब, यानी कि मैं यहाँ से एक एलिमेंट आगे भेज सकता हूँ। मान लो टू की जगह यहाँ नाइन होता ना, अगर यहाँ पर नाइन होता तो मुझे पता चलता कि सेवन इज़ स्मॉलर देन नाइन, तो नाइन की सही जगह यही होती, नाइन की सही जगह यही होती। बट अभी सेवन बड़ा है टू से, तो सेवन को आगे भेजो, सेवन को आगे भेज दो, ये जगह खाली हो गई अब, ठीक है? ये जगह खाली हो चुकी है। फिर टू को फाइव से कंपेयर करो, अगर यहाँ पर जो पड़ा होता वो टू से छोटा होता तो टू की सही जगह यही थी, लेकिन फाइव बड़ा है अभी, अभी तो फाइव बड़ा है। सो इसको स्वैप कर देंगे, फाइव को स्वैप नहीं कर देंगे एक्चुअली, आगे भेज देंगे फाइव को, फाइव को आगे भेजा, ये जगह मेरे लिए खाली हो गई। फाइव पड़ा हुआ है आई नो, बट मेरे लिए वो जगह खाली है। फिर वन से कंपेयर करेंगे टू को, तो पता चला कि टू इज़ ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, वन आगे नहीं जाएगा। तो टू फिर अपनी जो लास्ट जगह थी ना, जो टू के लिए बनी थी जगह, ओहो या टू के लिए जो जगह बनी थी ये वाली, इसमें अरे इसमें चला जाएगा ये, ठीक है? पता चल रहा है कि इंसर्शन कैसे हो रही है? फास्ट चार्ज कॉल टाइम 65 वाट वाला, अरे तुम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हो, यहाँ पर फोकस करो और मुझे बताओ कि डिड यू गेट दिस वाई और नॉट, यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट।
अरे आग लगी है बस्ती में। फराज भैया तो रहता मस्ती में। किस चीज़ की मस्ती में? पृथ्वीराज यस यस भैया समझ गए हम। सुफियान यस, बिट्टू यस, यश सबने यस बोला है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सभी लोग रिस्पॉन्ड कर दिया करो जल्दी जल्दी से, ठीक है? पृथ्वीराज, ओके नाइस। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि एक एलिमेंट मैंने पिक किया और सॉर्टेड वाले एरे में मुझे उसकी सही जगह पे उसको प्लेस कराना है, ठीक है? आई पिक्ड, आई सेलेक्टेड वन एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट, ठीक है? तो मुझे उसको सही जगह पे प्लेस कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए ना लास्ट वाले से कंपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर ये बड़ा है तो इसको आगे भेज देता हूँ और फिर अगले वाले से कंपेयर करता हूँ, मतलब लास्ट से मैं कंपेरिजन स्टार्ट कर देता हूँ। आई वॉन्ट इन द चैट एवरी वन टू आंसर मी, वॉट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू प्लेस, ध्यान से सुनना, कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, टू प्लेस वन अनसॉर्ट वन एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे टू इट्स करेक्ट पोजिशन इन द सॉर्टेड एरे। वर्स्ट केस बताना मुझे, टेल मी द वर्स्ट केस, सबसे बुरा केस क्या हो सकता है? आप एक एलिमेंट उठाओ और वर्स्ट केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको सही जगह पे प्लेस करने की, टेल मी। गली गली में लाइट है, फराज भैया से पढ़कर फ्यूचर ब्राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत क्रिएटिव दिमाग है हेमंत का। देव ओपी, पृथ्वीराज वाई वाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सोनू लेट हो गए क्या आप आज? हेमंत भाई कहाँ से लाते हो ऐसी लाइंस? ओके अरे यहीं पर बैठ के डिनर कर लो यार, डिनर करने जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं बैठ के डिनर कर लो। सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, इट इज़ बिग ओ ऑफ एन, एक दो छोड़ के सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, बिग ओ ऑफ एन है। क्योंकि हम सारे एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि सबसे छोटा एलिमेंट जीरो हो सकता है यहाँ पर, दिस सबसे छोटा एलिमेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके आगे स्वैप करना पड़ेगा। फाइव को आगे स्वैप करो, फिर टू को आगे स्वैप करो, फिर वन को भी आगे स्वैप करो, फिर जीरो की जगह बनेगी यहाँ पर। तो वर्स्ट केस में तो बिग ओ ऑफ एन लग रही है, ठीक है? इनिशियली जो एन की वैल्यू ऑल दो चेंज है, इनिशियली तो एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, फिर टू लगेगी, फिर थ्री लगेगी, ऐसे करते करते ना लास्ट केस में एन लग जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? तो क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि मुझे प्लेस कराने हैं वो एन माइनस वन थे, मेरे को एन माइनस वन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस कराने थे। अनसॉर्टेड वाले पार्ट्स में एन माइनस वन थे एलिमेंट्स और सॉर्टेड वाले में वन थे। तो इसकी भी देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है? एन माइनस वन इंटू हर एक के लिए आपको एन लग रहा है तो फिर एन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है? सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होने वाली है, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? बेस्ट केस भी डिस्कस करेंगे अभी, वी विल बी डिस्कसिंग दी बेस्ट केस ऑल्सो। वर्स्ट केस की पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर स्क्वायर वर्स्ट केस बताइए जल्दी चैट में, जल्दी जल्दी से मैसेज आ जाने चाहिए सबके। हेमंत यस, ओवरशॉट जैसा है बट रिवर्स। ऐसा नहीं है, बबल शॉट में हम क्या कर रहे थे, बबल शॉट में एक आइट्रेशन में हम सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट में रख रहे थे, ठीक है? सिलेक्शन सॉर्ट में हाँ ऐसा कह सकते हो कि सबसे छोटा एलिमेंट सबसे स्टार्टिंग में रख लो वो उसका रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ रिवर्स है, ये रिवर्स थोड़ी ना है ना? सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा कह सकते हो, सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे छोटा एलिमेंट उठा के सबसे आगे रखते हो, बबल सॉर्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट को बबल करके सबसे लास्ट में पहुँचाते हो। देखो ऐसे याद करो, बबल सॉर्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट बबल होते होते लास्ट में पहुँच जाता है। सिलेक्शन सॉर्ट में एक सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है, ढूंढ के सेलेक्ट किया जाता है और उसको उसकी पोजिशन पर रख दिया जाता है। इंसर्शन सॉर्ट में अनसॉर्टेड वाले पार्ट से सॉर्टेड वाले पार्ट में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है? बीचों बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है, बीच में भी हो सकता है वो, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। गॉट इट? चलिए हमने तीन बेसिक एल्गोरिथम्स कर लिए। अच्छा इसका बेस्ट केस डिस्कस करना है, इसका भी देखो बेस्ट केस जो होगा ना वो आपका कब होगा, वो जब होगा जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट मुझे अनसॉर्टेड वाले पार्ट से सॉर्टेड वाले पार्ट में प्लेस करना है और ये एलिमेंट काफ़ी बड़ा है, मतलब फाइव से बड़ा है,
लेट अस से एलिमेंट 7 है, 7 है, दिस एलिमेंट इज 7 एंड आई हैव टू प्लेस इट इन दी सॉर्टेड पार्ट. सो आई विल कंपेयर इट विद 5. ओके, व्हेन आई विल कंपेयर इट विद 5 आई विल नो दैट कि 5 के बाद ही आएगा 7. सो 7 इज ऑलरेडी इन इट्स करेक्ट पोजिशन. फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा. तो मेरे को लास्ट तक ना जाना नहीं पड़ा. आई डेंट हैव टू गो टिल दी एंड. हर एक एलिमेंट को आगे आगे नहीं भेजना पड़ा क्योंकि 7 ऑलरेडी पड़ा है. तो टेल मी, व्हेन विल द बेस्ट केस कम? बेस्ट केस आएगा कब ये बताओ चैट में. इसका बेस्ट केस क्या है? प्लीज राइट एवरीवन इन द चैट, व्हाट इज द बेस्ट केस फॉर द इंसर्शन सॉर्ट. ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में, अभी दिमाग में बिठा लेना सब लोग. और नोट्स बनाने तो नोट्स बना लो, जो करना है वो कर लो, दिमाग में एकदम इस बात को फिट कर लेना क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं कौन से एल्गोरिथम की. ठीक है, इंडियन फूडी करेक्ट रोहन, सॉरी, यस करेक्ट, यस वी ऑलरेडी, या व्हेन द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड दैट इज द बेस्ट केस एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड. या यू नो व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड दैट इज द बेस्ट केस. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसका भी वर्स्ट केस एन स्क्वायर है, बेस्ट केस बिग ओ ऑफ एन है. ठीक है, ये सारी चीज़ें याद कर लेना, नोट डाउन करते जाओ ज़्यादा बेटर रहेगा. नोट डाउन करते जाओ ये सारी चीज़ें. ठीक है, बिग ओ ऑफ एन कैसे लगेगा वो तो पता ही चल गया होगा आपको कि हर एक एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराना बिग ओ ऑफ वन का काम है. सो एन एलिमेंट्स के लिए बिग ओ ऑफ एन. ठीक है, हर एक एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे पहले से ही स्टोर्ड है वो, तो मुझे पहले से इंसर्ट है तो इंसर्ट नहीं कराना पड़ेगा. सो दैट इज वाई इट इज बिग ओ ऑफ एन. देवेंद्र, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बबल सॉर्ट चल रही है, नहीं बबल सॉर्ट अभी खत्म हो गई है. बबल सॉर्ट खत्म हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर फेवरेट मर्ज सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट के फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे अच्छे. ठीक है, अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे मर्ज सॉर्ट के. देवेंद्र समझ में आया या नहीं आया? देवेंद्र आप कौन से सेमेस्टर में हो? फैन कैसे? नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है, लेट अस कंटिन्यू देन. एक सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, मेरे लिए सब नया है बिट्टू. कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ. इंसर्शन हो गई, चलो हम आगे बढ़ते हैं. अभी मर्ज सॉर्ट करेंगे. मर्ज सॉर्ट में करने के बाद मर्ज सॉर्ट वी विल सी द कोड ऑल्सो मर्ज सॉर्ट का. पर एक बहुत अच्छी सी इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा मर्ज सॉर्ट की, इंप्लीमेंटेशन इन द सेंस कि कहाँ वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, यार एक मिनट का वेट करोगे? जस्ट गिव मी वन मिनट, आई विल बी बैक. ठीक है, एक से जाना मत कोई. ठीक है, कोई भी जाना मत, आई विल बी बैक इन अ मिनट. बहुत बढ़िया, कोई भी नहीं गया. थैंक्स.
Somebody is asking in the chat कौन कौन डिनर कर लिया। यार डिनर बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में वीडियो देखते देखते कर लो डिनर, कोई इशू नहीं है, बट कर लो, अटेंड कर लो क्लास। यार सॉर्ट भी आज होगा क्या? नहीं, हीप सॉर्ट होमवर्क है आपका। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट वॉट डिडंट यू अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ मर्ज सॉर्ट। सो मर्ज सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। रिकर्जन यूज होगा यहाँ पर, ठीक है, वी विल बी यूजिंग रिकर्जन हियर। काफी इजी एल्गोरिथम है मर्ज सॉर्ट। तो होता क्या है, रिकर्जन जब भी आता है ना, जब भी मुझे कुछ अपने जैसा काम करना होता है, जो मैं काम खुद करने वाला हूँ, मुझे सेम सब टास्क करना पड़े वैसा ही, देन आई यूज़ रिकर्जन देयर। कहने का मतलब ये है, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ रिकर्जन के बारे में, रिकर्जन दोबारा से बताऊंगा नहीं, रिकर्जन के ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट बताना ये चाहता हूँ कि वेयर डू वी यूज़ रिकर्जन। सो लेट अस से काफ़ी सिंपल सा एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि हाउ टू फाइंड द समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। आपको एन गिवेन है, आपको वन से लेकर एन तक का सम फाइंड करना है, ठीक है? तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है ये। आप एक फंक्शन लिख दो ना एफ, ये एक आप एक फंक्शन लिख दो एफ, और जो कि आपका एन नंबर्स का सम फाइंड करके दे देगा। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करो, सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर ये करो कि अगर एन वन के बराबर है ना, तो आंसर वन ही होने वाला है। वन मतलब अगर आपका एन वन दे दिया, तो आपको वन से वन तक का समेशन फाइंड करना है, दैट इज़ वन। काफ़ी सिंपल है, बेस कंडीशन कहते हैं हम लोग इसको रिकर्जन की। बाकी आपको सारा काम रिकर्जन से करवाना है। रिकर्जन से कहो कि यार जैसे तुम एन तक का सम फाइंड करना जानते हो, वैसे ही तुम एन माइनस वन तक का भी सम फाइंड करना जानते होगे, ठीक है? कुछ फ़र्क नहीं है। अगर जो भी नंबर मैंने यहाँ पास किया, उसके अलावा कुछ और नंबर पास कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, रिकर्जन से कहा कि एन माइनस वन तक का तुम सम फाइंड करके ले आओ, मैं इसमें सीधा प्लस एन कर दूंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। वन से लेकर एन माइनस वन तक का सम रिकर्जन ने फाइंड करके दिया, उसमें मैंने सिंपल एन जोड़ दिया और मुझे आंसर पता चल गया। दिस हाउ आई यूज़ रिकर्जन, दीज आर द सिचुएशन वेयर आई यूज़ रिकर्जन। समझ में आया है क्या? यूज़ समझ में आया कि मैंने कहाँ यूज़ किया? एफ जो मैंने फंक्शन एफ लिखा था, उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि मुझे वन से लेकर के एन तक का सम फाइंड करके दे, और एन एक ऐसा नंबर होगा जो मैं उसमें पास करूंगा। तो एन माइनस एन की जगह एन माइनस वन भी तो पास कर सकता हूँ, है ना? फाइव की जगह फोर भी तो पास कर सकता हूँ उसमें। तो मुझे वहाँ से वहाँ तक का सम ला के दे देगा, उसमें मैं सिंपल से वन ऐड कर दूंगा, मतलब एन ऐड कर दूंगा और मुझे एन तक का सम मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ आई यूज़ रिकर्जन एंड हाउ वी यूज़ रिकर्जन, एंड इन मर्ज सॉर्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज़ रिकर्जन ओनली। यस, सेम टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अच्छा अब देखो, यहाँ पर हम लोग मर्ज सॉर्ट का एग्जांपल लेते हैं अभी। तो बेसिकली हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, दिस इज द एरे। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे इस एरे को सॉर्ट करने के लिए बोला गया है। क्या लिखा, राज करो, यस डिवाइड एंड कंकर ना, ठीक है। तो अभी ना मेरे को ये एरे गिवन है, इसको मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं रिकर्जन से कहूँगा कि रिकर्जन यार एक काम करो, तुम ना यहाँ से यहाँ तक का जो एरे है उसको सॉर्ट करके ले आओ। और रिकर्जन से कहूँगा कि दोबारा से कि रिकर्जन अब यहाँ से यहाँ तक का एरे सॉर्ट करके ले आओ। तो ये पार्ट सॉर्टेड है, रिकर्जन ने करके दे दिया सॉर्ट, और ये पार्ट सॉर्टेड है, ये भी मुझे रिकर्जन ने सॉर्ट करके दे दिया, ठीक है? अब क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा पूरा एरे सॉर्टेड है? कैन आई से दैट माई एंटायर एरे इज सॉर्टेड? प्लीज राइट वाई इन द चैट एवरी वन, एंड दोज हू डोंट थिंक दैट द एंटायर एरे इज सॉर्टेड प्लीज राइट एन इन द चैट। पोलिंग का सिस्टम है ये हमारा, येस और नो। अरे वाह, हेमंत फंस गया, और कौन फंसा है? भार्गव फंस गया, एंड बस, और कोई नहीं फंसा, दो लोग फंसे हैं बस। ओके, सो इट इज नॉट सॉर्टेड एन बिकॉज वी डोंट नो। ओ ऑफ कोर्स फराज भैया, हॉट स्पॉट दे दो, नेट खत्म हो, नेट खत्म हो रहा है यहाँ से, मैं नहीं दे सकता हॉटस्पॉट। मैं समझ गया, देखो फर्स्ट पार्ट इज सॉर्टेड, सेकेंड पार्ट इज सॉर्टेड, बट वी कैनॉट से दैट दे आर म्यूचुअली सॉर्टेड। ओ
वी कैन नॉट से दैट दे आर कंबाइंड, दे आर सॉर्टेड कंबाइंड. एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि पहले जो था, पहले कुछ ये था 2 6 2 6 1 3 और यहाँ पर था 4 0 8 5. ठीक है, तो ये तो पहला वाला सॉर्ट कर दिया रिकर्जन ने, पहला वाला सॉर्ट कर दिया मतलब 1 2 3 6 कर दिया इसको रिकर्जन ने, दूसरा वाला भी सॉर्ट कर दिया 0 4 5 8 कर दिया. ठीक है, बट अभी मैं ये नहीं कह सकता ये पूरा सॉर्टेड है, इसके लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा. मेरा पूरा डी एस ए गलेस यहीं पर है, कोडशेफ पे पड़ा हुआ है, यू कैन जस्ट वॉच दैट, बाद में देख लेना. ठीक है, अभी यहाँ पर फोकस कर लो क्लास में. तो मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे इनको आपस में अरेंज करना पड़ेगा. तो मर्ज सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया जाएगा जिसमें पूरा एरे पास किया जाएगा कि इस पूरे एरे को सॉर्ट कर दो. उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रिकर्जन से कहूँगा कि यार रिकर्जन तुम पहले इस वाले पार्ट को सॉर्ट कर दो, यानी कि मर्ज सॉर्ट दोबारा से कॉल कर दूंगा हाफ पार्ट पे, और सेकेंड हाफ पार्ट पे दोबारा से मर्ज सॉर्ट कॉल कर दूंगा, दोनों पार्ट पे मैं मर्ज सॉर्ट कॉल कर दूंगा. ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये चीज़ क्लियर हो रही है? प्लीज़ राइट एन इन द चैट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. अभी यस वाले मत लिखना प्लीज़, अभी एन वालों को लिखने देना, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि एन का भी कोई है या नहीं है, रिकर्जन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. एन वालों को लिखने दो यार एक बार. ऑल राइट, सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा? वसंत को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन. तो बेसिकली रिकर्जन ने ये वाला पार्ट सॉर्ट करके दे दिया, ये वाला पार्ट सॉर्ट करके दे दिया. अब मेरे पास दो पार्ट हैं, मुझे इनको करना है मर्ज, मुझे इनको आपस में करना है मर्ज. तो मर्ज करने का क्वेश्चन मैं अपने इसी सीरीज में पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन दोबारा से करा देता हूँ. तो मैं इनको ना एक नए एरे में डालूंगा मर्ज करने के बाद. ठीक है, एक मैं चलाऊंगा आई जो कि यहां से चलाऊंगा, एक मैं चलाऊंगा जे. ये चीज ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है? काफी लोगों के लिए ये चीज नहीं हो सकती है, तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. ये पार्ट सॉर्टेड है, आई नो दैट. ये पार्ट सॉर्टेड है, आई नो दैट. आई हैव टू मर्ज दीज टू पार्ट्स. नाउ आई क्रिएट एन एंटायर न्यू एरे जिसका साइज इनके पूरे साइज के बराबर होने वाला है. इसका साइज 8 होगा एक्चुअली, बिकॉज देर आर फोर एलिमेंट्स हियर, फोर एलिमेंट्स हियर. सो आफ्टर मर्जिंग आई विल बी गेटिंग एन एरे ऑफ 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मर्ज देम मैनुअली, नॉट यूजिंग रिकर्जन. आई इनको मर्ज मैं खुद करूँगा, रिकर्जन से मैंने ये सॉर्ट करवा लिया, रिकर्जन से मैंने वो वाला पार्ट सॉर्ट करवा लिया, इसको मर्ज करना मेरा काम है. तो आई यानी कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और जे सेकेंड पास का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट होगा. अब आई और जे दो एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं, और इन दोनों में से एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सबसे छोटा एरे होगा. वाई? क्योंकि आई पॉइंट कर रहा है फर्स्ट वाले पार्ट के, ठीक है? मैं इसको पार्ट वन पार्ट टू कह दूँ या लेफ्ट राइट कह दूँ? लेफ्ट राइट कह देता हूँ, लेफ्ट राइट. आई पॉइंट कर रहा है लेफ्ट वाले पार्ट के सबसे छोटे एलिमेंट पे, और जे पॉइंट कर रहा है राइट वाले पार्ट के सबसे छोटे एलिमेंट पे. तो ओवरऑल मेरे पास दो सबसे छोटे एलिमेंट हैं. अब इन दोनों में से ही एक एलिमेंट वो होगा जो कि सबसे छोटा होगा. सबसे छोटा एलिमेंट इन दोनों में से ही एक एलिमेंट होगा. तो यहां पर सबसे छोटा वाला एलिमेंट रख दिया जाएगा, इसको मैं के मान लेता हूं. ठीक है, के के इज द पोजीशन. तो इस पोजीशन पे सबसे छोटा एलिमेंट प्लेस कर दिया जाएगा. सो आई विल कंपेयर दीज टू, एंड आफ्टर कंपेरिजन आई विल नो दैट कि जीरो छोटा है, तो जीरो को यहां प्लेस कर दिया जाएगा. जीरो को प्लेस कर दिया तो मैं जे को आगे बढ़ा दूंगा. ठीक है, इसका मैंने काम कर लिया ना जीरो का, तो मैं जे को आगे बढ़ा दूंगा, फोर पे चला जाएगा जे, और आई यहीं रहेगा. आई इज स्टिल गोइंग टू बी हियर. जीरो का तो खेल खत्म हो चुका है ना, जीरो इज नॉट इन द पिक्चर एनी मोर. बट नाउ अगेन इट इज द सेम सिनेरियो. दोबारा से सिनेरियो बिल्कुल सेम ही है. क्या सिनेरियो है? आई इज पॉइंटिंग टू द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट पार्ट, एंड जे इज पॉइंटिंग टू द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द राइट पार्ट. अगेन सेम सिनेरियो, बिकॉज जीरो इज नॉट देयर इन द पिक्चर, जीरो हैव बीन ऑलरेडी प्लेस्ड एट इट्स राइट पोजिशन.
then now two smallest element are there, we are going to compare them, and one out of these two is going to be our smallest element for this position. Okay, so one of home is ek element hoga, sabse chhota hoga, to one yahan par aa jayega, one chhota hai, and i ko bada dunga main aage, i ko aage bada dunga. Again the same scenario, one is not in the picture. Again the same scenario, 2 and 4 are the smallest two available elements. Theek hai, out of all the elements which are available now, because one is not there in the picture, zero is not there in the picture, because we have already placed them in the right position. So out of the available elements, 2 and 4 are the smallest two. Ab in dono compare karenge, which one among these is smaller. So of course 2 is smaller, so 2 is going to come next, and i will be incremented again. I will be incremented. Okay, 2 is not there in the picture anymore. 3 and 4 are the two smallest available elements right now, because 3 is the smallest element of the left part and 4 is the smallest element of the right part. Okay, don't think about the previous element, because these are not there in the picture anymore. These have been already placed. So 3 4 mein se 3 smaller, i ko badhayenge, 6 pe aa jayega i. Theek hai, j यहीं पर रहेगा 4 पे. देन नाउ द टू अवेलेबल एलिमेंट्स, ओके ओके ओके, ऑल राइट. सो हियर एक छोटी सी मिस्टेक विच आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट. मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने बोला कि दीज आर द टू स्मॉलेस्ट अवेलेबल एलिमेंट्स. मैंने ऐसा बोला ना कि i एंड j आर पॉइंटिंग टू द टू स्मॉलेस्ट अवेलेबल एलिमेंट्स, बट दैट इज नॉट द केस. That is not the case. Why that is not the case? Because see, I is pointing to 6, J is pointing to 4, but 4 and 6 are not the two available smallest elements. 4 and 5 are the two available smallest elements, but I can say that I is pointing to something that is the smallest in the left part, and J is pointing to something that is the smallest in the right part. तो लेफ्ट साइड का स्मॉलेस्ट मुझे पता है, राइट साइड का मुझे स्मॉलेस्ट पता है. जो सबसे जो इन दोनों में से स्मॉल होगा ना, वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा अवेलेबल एलिमेंट्स में से. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ में आई है, प्लीज राइट वाई इन द चैट. मैंने जो करेक्शन बताया वो कितने लोगों को समझ में आया है, प्लीज राइट वाई इन द चैट. जिसको समझ में नहीं आया, आई कैन रिपीट, आई एम रेडी टू रिपीट दिस वन. बताइए, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है. व्हाट अबाउट रेस्ट? यस, ओके ओके, ठीक है. रॉन्ग में क्या बताए थे? रॉन्ग में मैंने एक्चुअली ये बोल दिया था कि जो आई पॉइंट कर रहा है ना और जो जे पॉइंट कर रहा है ना, दीज आर द टू एलिमेंट विच आर द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द अवेलेबल एलिमेंट्स. तो ऐसा नहीं है. देखो, आई पॉइंट कर रहा है 6 पे, जे पॉइंट कर रहा है 4 पे, बट दीज आर नॉट द टू स्मॉलेस्ट अवेलेबल एलिमेंट्स. वाई? बिकॉज 5 इज ऑल्सो देयर, है ना, तो 6 नहीं है, 6 इज नॉट द स्मॉलेस्ट. बट वॉट आई कैन से इज कि आई इज पॉइंटिंग टू द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट पार्ट एंड जे इज पॉइंटिंग टू द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द राइट पार्ट. तो इन दोनों में से एक ना एक एलिमेंट ऐसा है which is the smallest. इन दोनों में से एक एलिमेंट ऐसा है which is the smallest among entire leftover elements. जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं ना, रिमेनिंग एलिमेंट्स जितने भी बचे हैं, इन दोनों में से एक ना एक स्मॉलेस्ट है. ये समझ में आ गया ना? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? ये मैंने रॉन्ग में बता दिया था, ऐसा केस है नहीं. करेक्ट यही है जो मैंने लास्ट में जो रिपीट किया, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. Responses, जल्दी से चैट में. इज देर एनी कन्फ्यूजन? इफ देर इज एनी कन्फ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द चैट. सुफियान सिंह, आग लगा दें क्या? नहीं, आग मत लगाओ, बट स्टिल रिप्लाई कर दो ताकि आगे बढ़ पाए, है ना?
और कन्फ्यूजन है तो बता दिया करो, एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा एल्गोरिथम। यस, साफ साफ देख पा रहे होंगे सामने एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है। अब आप ये मत, अब आप इस चीज़ से फोकस मत करो कि मैंने रिकर्जन से लेफ्ट वाला पार्ट कैसे सॉर्ट करवाया, राइट वाला पार्ट कैसे सॉर्ट करवाया। डोंट डोंट गो इन टू दैट, ठीक है, डोंट गो इन टू दैट। कोड करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। रिपीट कर दूंगा जॉन कुक, मैं कोड में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली दो चीज़ हैं, पहला स्टेप है लेफ्ट और राइट को विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन सॉर्ट करवा लो, और दूसरी चीज़ है कि जो लेफ्ट और राइट सॉर्ट हुए हैं ना उनको मर्ज कर लो। दीज आर द टू थिंग्स विच वी शुड रिमेंबर। अब मैं कोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, कोड पे अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो मैंने एक ट्रीज़ का मैंने छोड़ दिया, एक्चुअली देखो ट्रीज़ मैं इसमें कर रहा था, ट्रीज़ का मैंने छोड़ दिया, मैंने हटाया नहीं है बिकॉज आई नो दैट ट्रीज़ में और क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ये बहुत छोटा दिख रहा है, लेट मी जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट। अब ठीक है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू डू, के लिए मुझे वैक्टर बनाना पड़ेगा एक, लेट मी क्रिएट अनसॉर्टेड वैक्टर और इसमें मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। टू सिक्स वन वन ज़ीरो फाइव नाइन थ्री, ठीक है, दिस इज़ दी वैक्टर, ये हमारा वैक्टर है, इसको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट। ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है। हेमंत ने क्या लिख दिया, नो कन्फ्यूजन, ओके जॉन, ओके चलिए। वी आर राइटिंग द मर्ज सॉर्ट फंक्शन, वॉइड मर्ज सॉर्ट। इसमें आई विल पास अ वेक्टर इंट वी, जिसको मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है, इसको मुझे सॉर्ट करना है। ऑल्सो इसके साथ साथ आई विल पास स्टार्ट एंड एंड, दो दो पॉइंटर जो कि स्टार्ट को डिनोट कर रहे हैं एंड को डिनोट कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भैया स्टार्ट तो ज़ीरो है ना, वेक्टर का स्टार्ट तो ज़ीरो है, इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स ज़ीरो है वेक्टर का, और एंडिंग इंडेक्स भी आपको पता चल जाएगा, वो साइज़ माइनस वन हो जाएगा, वी डॉट साइज माइनस वन, वो एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा। बट ऐसा क्यों, आप स्टार्ट और एंड अलग से क्यों ले रहे हो, ठीक है, मैं भेजूंगा वही यहाँ पर स्टार्ट और एंड में वही भेजने वाला हूँ, ज़ीरो भेजूंगा और भेजूंगा इसमें ई की जगह पे एस डॉट वी डॉट साइज माइनस वन। तो दीज आर द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड द एंडिंग इंडेक्स, सॉरी ठीक है। इसको मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि मुझे रिकर्जन से भी तो कुछ ना कुछ सॉर्टिंग करवानी है, तो रिकर्जन में मैं रेंजेस कम करके भेजूंगा ना। ये मान लो कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये कांस्टेंट रहने वाला है, आई डोंट वांट टू चेंज दिस वेक्टर, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज इन द सेंस इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज होंगे, इसका साइज चेंज नहीं होगा, वेक्टर का साइज चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो, वेक्टर का साइज वही रहने वाला है। बट मैं एस को और ई की हेल्प से, एस की और ई की हेल्प से इसकी जो रेंज जो मुझे सॉर्ट करनी है वो चेंज कर पाऊंगा, जो मुझे रेंज सॉर्ट करनी है वो मैं चेंज कर पाऊंगा। ध्यान से सुनना, अभी मैं भी करके बता देता हूँ मैं क्या करूँगा, इसको बीच से ब्रेक कर लूँगा, ठीक है। बीच से ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट मुझे अलग सॉर्ट करवाना है एक बार उससे, और राइट वाला पार्ट अलग सॉर्ट करवाना है रिकर्जन से, तो मैं इसको बीच में ब्रेक कर लेता हूँ। सो मिड विल बी एस प्लस ई डिवाइडेड बाई टू, ये मेरा मिड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू सॉर्ट द एरे फ्रॉम स्टार्ट टू मिड, स्टार्ट से लेकर मिड तक मेरे को सॉर्ट करना है एरे को, तो रिकर्जन से करवाएंगे ये वाला काम, ठीक है। रिकर्जन से हम लोग सॉर्ट करवा लेंगे वेक्टर वी को स्टार्ट से लेकर के एम तक, ठीक है। रिकर्जन सॉर्ट करके ले आया स्टार्ट, स्टार्ट से लेकर के एम तक का आधा पार्ट रिकर्जन से, अब बाकी बचा हुआ पार्ट सॉर्ट करवा लो। मर्ज सॉर्ट वी कहाँ से कहाँ तक का, एम प्लस वन तक से एंड तक का, ठीक है। रिकर्जन से आधा पार्ट ये सॉर्ट करवा लिया, आधा पार्ट वो सॉर्ट करवा लिया बीच से ब्रेक करके, इसीलिए मैंने यहाँ पर ई और एस पास किया है, क्योंकि देखो वी को मैं चेंज नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं करूँगा कि पहले आधा वेक्टर बनाऊँ फिर उसके बाद भेजूँ, ओके स्पेस लग जाएगी उसमें एक्स्ट्रा, फालतू की स्पेस लग जाएगी, विच वी कैन अवॉइड। मैं क्या कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था ना कि वेक्टर को एक्चुअल में आधा आधा तोड़ लिया, 2613 है ना, इसको आधा तोड़ लिया, एक छोटे वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया,
4053 को अलग एक वेक्टर में, छोटे वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट. तो इसीलिए मैं एस और ई रख रहा हूँ अपने पास. दीज आर द टू पॉइंटर्स विच आर गोइंग टू हेल्प मी अवॉइड दैट सिचुएशन. ठीक है, इसकी मदद से मैं क्या कर पाऊँगा, वैक्टर को मैं सेम रख के एस से लेकर के एम तक को ही कंसिडर करूँगा, बस स्टार्ट से लेकर मिड तक. ठीक है, मैं कहूँगा कि मर्ज सॉर्ट से इतना मुझे सॉर्ट करके मिल जाए. फिर मैं रिकर्शन से कहूँगा कि m+1 से लेकर एंड तक का सॉर्ट करके दे दो. तो मुझे दो सॉर्टेड पार्ट मिल जाएंगे, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला. एवरीवन क्लियर, प्लीज राइट वाई, इफ नॉट क्लियर प्लीज राइट एन. बीच बीच में मैं पूछता रहता हूँ सो दैट हम बहुत आगे ना चले जाएँ एंड फिर उसके बाद डाउट्स क्लियर करना ही मुश्किल हो जाते हैं. सो इट इज़ बेटर टू आस्क यू डाउट्स अर्ली, आई विल बी एबल टू आंसर देम नाउ. बताइए बताइए जल्दी. बिल्कुल ठीक कहा आपने कि व्हाट इज द बेस कंडीशन, ये तो चलता ही रहेगा, बेस कंडीशन पता ही नहीं चलेगी. तो बेस कंडीशन इसमें ये होने वाली है कि जब कुछ भी ना हो सॉर्ट करने, या फिर जब एक एलिमेंट बचा हो सॉर्ट करने के लिए, एक एलिमेंट जब सॉर्ट करने के लिए बचता है ना तो उसको सॉर्ट नहीं करना पड़ता, एक एलिमेंट को हमें सॉर्ट नहीं करना पड़ता, वो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होता है. तो अगर इन केस मेरा जो स्टार्ट एलिमेंट है, स्टार्ट इंडेक्स है एस, वो अगर ई के बराबर हो जाता है, वो अगर ई के बराबर हो जाता है तो इस केस में मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दिस इज द बेस कंडीशन. ठीक है, आई सपोज कि कभी ओवरशूट नहीं करेगा, कभी भी स्टार्ट एंड के बराबर उधर नहीं जाएगा, बिकॉज वी आर स्टॉपिंग एज सून एज स्टार्ट इज इक्वल टू एंड वी विल स्टॉप. तो ये चीज़ कभी क्रॉस नहीं करेगी, करेगी तो हम हैंडल कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है. या फिर सेफ्टी के लिए वी कैन डू दिस, कि स्टार्ट अगर ग्रेटर देन एंड हो गया या फिर स्टार्ट एंड के बराबर भी हो गया तो इन दैट केस यू कैन रिटर्न, उस केस में रिटर्न करा सकते हो. तो ये वाली सिचुएशन आई डोंट थिंक ये सिचुएशन आएगी. फाइव अगर ये फोर हुआ, ये फाइव हुआ, देन 9 4 नहीं आएगी ये सिचुएशन. ओके ऑल राइट, स्टिल लेट इट बी देयर, बाद में हटा देंगे, कोई बात नहीं. चलो, तो जब एक एलिमेंट बचता है स्टार्ट इक्वल टू एंड में, या फिर जब एक भी एलिमेंट नहीं बचता है स्टार्ट ग्रेटर देन एंड में, देन आई एम रिटर्निंग फ्रॉम हियर, बिकॉज कुछ है नहीं सॉर्ट करने के लिए, और एक ही एलिमेंट है सॉर्ट करने के लिए तो उसको सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, दैट पार्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, दोनों पार्ट सॉर्ट कर दिए. अब क्या बचता है, दोनों चीज़ें सॉर्टेड है तो अब क्या बच रहा है बताइए. अब इन दोनों सॉर्टेड पार्ट को ना मर्ज करना बच रहा है आपस में, वी हैव टू मर्ज देम. या तो यहीं कर सकते हो या एक नया फंक्शन बना के कर सकते हो. यहीं कर दें क्या, यहीं कर दें क्या, इनकी मर्जिंग, मर्ज हम एक अलग फंक्शन बना सकते हैं, उसमें हम इसको भेज के मर्ज करवा लेंगे, न्यू फंक्शन बना देते हैं. चलो लेट अस क्रिएट अ न्यू फंक्शन हियर. अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रिकर्जन ने हमारी जब इतनी बात सुनी है कि एस से लेकर के एम तक का मैंने पूरा सॉर्ट करवा लिया रिकर्जन से बोल करके, रिकर्जन ने उतना सॉर्ट कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा बात सुनता है वो रिकर्जन हमारी. सो व्हाई डोंट वी सेंड एस से लेकर ई यहाँ पर इस एम की जगह पे. ये सीरी बोलने लग गया, हाय सीरी. तो एस से लेकर ई तक ही क्यों नहीं भेज देता मैं यहाँ पर, मैं पूरा ही रिकर्जन से करवा लेता हूँ ना काम. सीरी स्टॉप. रिकर्जन से मैंने कहा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का ही सॉर्ट कर दो. सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड, यस दैट्स वन थिंग.
वो सिलेक्शन सॉर्ट हो जाएगा ना भैया, कौन सा सिलेक्शन सॉर्ट हो जाएगा, कौन सा सिलेक्शन सॉर्ट हो जाएगा जॉन कुक? पॉइंट क्या होगा? डिवाइड एंड कनकर? नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी करी है किसी ने, डिवाइड एंड कनकर ही यूज़ करो। लेकिन कुछ और हो रहा है यहाँ पर, देखो तो हो क्या रहा है ये तो देखो। तो मैंने रिकर्जन से, मेरे पास एक टास्क आया और उस टास्क को करने के लिए मैंने रिकर्जन से बोला कि तुम वही टास्क कर दो, तो रिकर्जन भी दूसरे रिकर्जन से कहेगा वही टास्क कर दो, तो फिर दूसरे रिकर्जन से कहेगा वही टास्क कर दो। तो ये कभी भी छोटे टास्क में ब्रेक नहीं होगा। रिकर्जन की एक कंडीशन होती है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में रिकर्जन बताया था ना, जब मैंने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का एग्जाम्पल लिया था, तो उस केस में मैंने क्या किया था, उसमें मैंने ये बोला था कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एन जो मुझे वन से लेकर एन तक का सम ला के देता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ अगर एन वन है तो वन रिटर्न करा दो, ठीक है, इफ़ एन इज़ वन देन रिटर्न वन, और अगर एन वन नहीं है, वन से बड़ा है, तो एक काम करो कि रिकर्जन से कहो कि एन माइनस वन तक का समेशन लेके आ जाए वन से लेकर, और इसमें सिंपली एन ऐड कर दो। मैंने उसको ये नहीं कहा कि वो भी एन का समेशन लेके आ जाए, अगर मैं वो कह देता ना तो ये कभी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। रिकर्जन के साथ जब भी रिकर्जन यूज करते हो, एक कंडीशन ये है कि यू शुड ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, अपने से छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दो उसको, ठीक है। अपने से छोटी प्रॉब्लम को अगर आपने कन्वर्ट किया, ध्यान से सुनना इस बात को सब लोग, अगर आपने एक प्रॉब्लम को अपनी से छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, चाहे वो ऐसा ही क्यों ना हो कि आपने बहुत छोटा सा ही टास्क किया और रिकर्जन से बहुत बड़ा टास्क करवा दिया, चाहे इतना ही क्यों ना हो, ठीक है, इतना सा टास्क आपने किया चाहे उतना सा ही टास्क क्यों ना हो, लेकिन जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उससे छोटी ही प्रॉब्लम रिकर्जन से हमेशा सॉल्व करवाना है। क्यों? क्योंकि रिकर्जन का जो बिहेवियर है वही हमारा बिहेवियर है, जो हमारा बिहेवियर है वही रिकर्जन का बिहेवियर है। तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम को छोटा नहीं करेंगे तो रिकर्जन भी अपनी प्रॉब्लम को छोटा नहीं करेगा, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा भी छोटा कर देते हैं ना अपनी प्रॉब्लम को, तो रिकर्जन उसको थोड़ा सा और छोटा कर देगा, और उस वो जो रिकर्जन कॉल करेगा ना वो उसको और छोटा कर देगा, तो प्रॉब्लम छोटी होती चली जाएगी और वो कन्वर्ज होती चली जाएगी एक पॉइंट पे, एंड एट द एंड ये कंडीशन हमारी जो बेस कंडीशन है यहाँ तक पहुँच जाएगी। गॉट इट? ब्रेक इट इंटू स्मॉल पार्ट देन, या उसको आपको छोटा करके रिकर्जन को भेजना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग छोटी ही, इसको छोटी प्रॉब्लम में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली, मैंने क्या किया, मैंने इसको दो प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया अपनी प्रॉब्लम को, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट से डिवाइड कर लिया है, ठीक है, मिड पॉइंट से मैंने डिवाइड कर लिया। तो आधा पार्ट मैंने रिकर्जन से सॉर्ट करवाया लेफ्ट वाला, आधा पार्ट मैंने रिकर्जन से सॉर्ट करवाया राइट वाला। अब मेरे पास दो सॉर्टेड पार्ट हैं। आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू इज, मुझे इन दोनों को करना है मर्ज। तो मर्ज के लिए मैं नया फंक्शन बना लेता हूँ एक, ठीक है। सो लेट मी जस्ट नेम दिस फंक्शन एज वॉइड, वॉइड मर्ज, मर्ज नाम, अच्छा मर्ज इज अ कीवर्ड, चलो कैपिटल एम लगा लें क्या? कैपिटल एम इज नॉट गुड, मर्जिंग, ठीक है। एक वेक्टर हमें गिवन रहेगा, ठीक है, ये वेक्टर होगा v, और एक चीज़ और यहाँ पर जो मैं बता रहा था उस टाइम आपको, कि जब मर्ज करते हैं ना हम लोग, इस तरीके से हम लोग मर्ज करते हैं, तो मर्ज करते करते होता क्या है कि इनमें से या तो i मिड तक जल्दी पहुँच जाएगा, या फिर j एंड तक जल्दी पहुँच जाएगा, समझ रहे हो ना? या फिर तो आपका i यहाँ तक, ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा पार्ट, या फिर आपका हो सकता है कि ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाए, इन दोनों में से एक पार्ट आपका आधा अधूरा रह जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? कुछ एलिमेंट्स आपके रह जाएंगे एक पार्ट के, लेट अस से 4 के बाद 6 है यहाँ पर, तो अगर इसकी जगह पे होता लेट अस से 9, 10, 11 होता, तो 6 ये वाला पार्ट खत्म हो जाता, तो उसके बाद ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ना, इनको मुझे सिक्वेंशियली लगा देना था, बस 9, 10, 11 करके सिक्वेंशियली लगा देना था 6 के बाद, तो वो बचे हुए एलिमेंट को एकदम से इसको सिक्वेंशली लगा दिया जाएगा। लेकिन मेरे को ना ये पता होना चाहिए कि मुझे आई कहाँ तक चलाना है, मुझे आई चलाना है मिड तक, बल्कि मिड से पहले तक, क्योंकि मिड इज़ द दिस एलिमेंट, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट मिड है, तो मुझे आई चलाना है मिड से पहले तक का। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट, आई विल बी इक्वल टू स्टार्ट शुरू में, और आई शुड बी स्मॉलर देन मिड, तब तक लूप चलाना है मुझे आई वाला। और जे वाला लूप कब तक चलेगा? जे तो स्टार्ट होगा एम से, और जे कब तक चलेगा? स्मॉलर देन इक्वल टू एंड तक, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू एंड तक। वाई? क्योंकि जो एंड है हमारा वो लास्ट इंडेक्स है, तो लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। गॉट इट?
ओके तो यहाँ पर आपको क्या क्या भेजना पड़ेगा? आपको भेजना पड़ेगा स्टार्ट, आपको भेजना पड़ेगा एंड, और कुछ भेजना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर बताइए? कुछ और रिक्वायर्ड है क्या? एनीवन? एनीवन कुछ और रिक्वायर्ड है क्या? व्हाट इज रिक्वायर्ड? अनदर ऐसे ही? अच्छा, सही कह रहे हो, इंडियन फूडी, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए आप स्टार्ट एंड चाहते हो, सेकंड पार्ट के लिए स्टार्ट एंड चाहते हो, यही मतलब है ना आपका? बट इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो स्टार्ट इज़ द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, एंड इज़ द एंड ऑफ सेकंड पार्ट। इसके एक और मैं एम ले लेता हूँ, मिड, तो जो मिड हो जाएगा ना, दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ सेकंड पार्ट और मिड माइनस वन विल बी द एंड ऑफ सेकेंड पार्ट। तो मतलब तीन वेरिएबल से काम चल जाएगा, चार नहीं लेने पड़ेंगे, ठीक है? तीन से काम चल जाएगा। चलो चलो ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बोला कि मैं एक आई बनाऊंगा जो कि मैं स्टार्ट से शुरू करूंगा, एक बनाऊंगा जे जो कि मैं एम से शुरू करूंगा, और एक जो नया वेक्टर बना रहा हूँ ना, जो नया वेक्टर बनाऊंगा, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, और इसका साइज़, हाँ इसका साइज शुड बी इक्वल टू, इसका साइज बताइए कितना होना चाहिए, टेल मी व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दिस, लेट मी सी, ध्यान से सोच के बताना, जल्दी मत करना इसको बताने में, प्लीज़ इसको बताने में जल्दी मत करना। नहीं नहीं लेस वेरिएबल्स मीन्स बेटर कोड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस ले लिया। ध्यान से सोच के बताना प्लीज़ एवरीवन, जल्दी जल्दी में मत बताना। ओके यस, इट शुड बी एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। जिस रेंज पे हम लोग काम कर रहे हैं, वी का साइज मत देखना, वी के साइज के बराबर नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि वी को हम कभी छोटा बड़ा कर ही नहीं रहे हैं, हम तो एस और ई को छोटा बड़ा कर रहे हैं, तो जो साइज होगा ना, वी डॉट साइज नहीं होगा पृथ्वीराज, अभी मुझे बताना तुम समझे या नहीं समझे, क्योंकि वी को हम कभी चेंज नहीं कर रहे हैं, वी को हम कभी आधा नहीं कर रहे हैं, हम तो एस और ई को चेंज कर रहे थे ना, एस और ई को ही तो चेंज कर रहे हैं हम लोग बस, तो जो एस और ई के बीच में गैप होगा, दैट इज ई माइनस एस प्लस वन, ई माइनस एस प्लस वन, दिस विल बी द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफ द आंसर। बताइए पृथ्वीराज, समझ में आया? सुफियान, इट इज ई माइनस एस प्लस वन, प्लस वन भी करना पड़ेगा उसमें आपको। यस, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की वजह से प्लस वन करना पड़ेगा, बट चैट में रिस्पॉन्सेज आए नहीं हैं, तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है, वरना अब तक बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। व्हाट इज द कन्फ्यूजन प्लीज लेट मी नो। रोहन गॉट इट, अंडरस्टूड, कंटिन्यू, जस्ट बिकॉज, चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू नाउ। ठीक है, इतने साइज का मैंने आंसर बना लिया, और एक वेरिएबल रखता हूँ के, एक के भी रखूँगा जिसको मैं जीरो से इनिशलाइज करूँगा,
वो एक्चुअली मेरे आंसर के लिए है, ठीक है? आंसर की kth पोजीशन में मैं इंसर्शन कराना चाहता हूँ. तो देखो, पहला लूप तो ये चलेगा, वाइल आई इज़ स्मॉलर देन एम एंड एंड जे इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू एंड, ये कंडीशन रहेगी पहली, ठीक है? जब तक कि आई एम से छोटा है, ओके? बिकॉज आई जो है ना वो एम माइनस वन तक ही है, मतलब आई एम माइनस वन तक ही जा सकता है. फर्स्ट पार्ट इज़ फ्रॉम एस टू एम माइनस वन, ठीक है? सेकेंड पार्ट इज़ फ्रॉम एम टू ई. तो दिस शुड बी स्मॉलर देन दिस, या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू लगाने तो एम माइनस वन लगा लो. आई शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू एम माइनस वन एंड जे शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू ई. तो यहाँ तक आपको चलना है, ठीक है? आई स्टार्ट हुआ एस से और जे स्टार्ट हुआ एम से, ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट है. इफ वी ऑफ आई इज स्मॉलर देन वी ऑफ जे, तो मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में आई वाला जो है ना, जिसको आई पॉइंट कर रहा है, दैट इज स्मॉलर, तो वो मुझे आंसर की kth पोजीशन पे रख देना चाहिए. तो आंसर के kth पोजीशन पे रख देना चाहिए v ऑफ आई, आंसर के kth पोजीशन में v ऑफ आई रख देना चाहिए. उसके बाद आई को बढ़ा देना चाहिए आगे और k को भी आगे बढ़ा देना चाहिए. तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, दोनों काम यहीं पर कर देते हैं, ठीक है? ये यहीं पर हो जाता है k प्लस प्लस वी ऑफ आई प्लस प्लस, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. सो व्हाट डज अ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर डू? इट एक्चुअली इंक्रीमेंट्स, पहले k की वैल्यू जो थी, अच्छा रहने दो यार इसको, लेट मी जस्ट तरीके से बना लेते हैं इसको. थोड़ा ऐसे कर लो आप कि kth पोजीशन पे इसकी वैल्यू डालो और उसके बाद i को आगे बढ़ा दो और k को आगे बढ़ा दो, ठीक है? इस तरीके से कर लो. ठीक है ना? क्योंकि आई वाला छोटा है तो मैंने आंसर के kth पोजीशन पे मैंने इंसर्ट करा दिया, फिर मैंने k की वैल्यू बढ़ा भी दी है उसके बाद, ठीक है? i की वैल्यू बढ़ा दी है, दोनों की वैल्यू बढ़ा दी है. अदरवाइज सिचुएशन वो है कि व्हेन इट कुड बी इक्वल ऑल्सो, इक्वल वाले में तो कुछ भी कर लो, दोनों में से दोनों ही चलेगा. सो दूसरी सिचुएशन ये है कि व्हेन v ऑफ j इज स्मॉलर देन आई या फिर इक्वल टू आई. तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर ऑफ के इक्वल टू वी ऑफ जे कर रहा हूँ मैं. इक्वल वाले में ना आप चाहे इक्वल वाला यहाँ हैंडल कर लो, चाहे इक्वल यहाँ लगा लो, चाहे नीचे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? अगर दोनों एलिमेंट इक्वल है ना, वी ऑफ आई, अगर वी ऑफ आई इज इक्वल टू वी ऑफ जे है, तो यू कैन आइदर यूज आई और यू कैन आइदर यूज जे, यू कैन यूज आइदर ऑफ दैट, डजेंट मैटर. तो चाहे इक्वल टू यहाँ लगाओ, चाहे एल्स वाली कंडीशन में आने दो, कोई बात नहीं. तो v ऑफ j यहाँ पर लग जाएगा और j प्लस प्लस एंड k प्लस प्लस, दोनों चीज़ों को प्लस प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है? लेकिन मैंने, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हो सकता है पहला वाला लेफ्ट वाला पार्ट पहले ख़त्म हो जाए, हो सकता है राइट वाला पार्ट पहले ख़त्म हो जाए, ठीक है? एंड दूसरे वाले पार्ट में अभी भी एलिमेंट्स बचे हों, ठीक है? दूसरे वाले पार्ट में अभी भी मर्ज करने के लिए एलिमेंट्स हो सकता है बचे हैं अभी, सो वी हैव टू मर्ज देम एज वेल, बचे हुए पार्ट के. तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा खाली है. लेकिन एक काम करो, सिंपल ये वाइल लूप लगा लो. अब वाइल आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू एम माइनस वन तक की, तो इससे क्या होगा ना, वाइल लूप लगाने से अगर आई ऑलरेडी आगे पहुंच चुका है, आई ऑलरेडी एम तक पहुंच चुका है, ठीक है? आई की वजह से, मतलब लेफ्ट वाले पार्ट फिनिश होने की वजह से ये लूप टर्मिनेट हुआ, अगर ऊपर वाला वाइल लूप, ठीक है, आई की वजह से टर्मिनेट हुआ, तो ये लूप कभी चलेगा ही नहीं नीचे वाला, क्योंकि आई इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन एम, एम माइनस वन, सो इट विल नॉट वर्क. तो इसको लिख दो, लिखने में कोई कुछ नहीं जा रहा, लिख दो, है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा. तो आंसर ऑफ के इज इक्वल टू आंसर ऑफ आई, बस यही करना है, सॉरी वी ऑफ आई, यही करना है बस, ठीक है? और आई प्लस प्लस के प्लस प्लस, बचे हुए एलिमेंट्स के लिए कर रहा हूँ मैं ये. आप सोच रहे होगे कि भैया यहाँ पर भी सेम चीज़ लिख दी दोबारा से, तो बचे हुए एलिमेंट्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बचे हुए एलिमेंट्स को इस लूप में हैंडल नहीं कर सकता ना मैं. हो सकता है लेफ्ट वाला पार्ट खत्म हो जाए, ये कंडीशन स्ट्राइक कर, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एग्जिट कर जाओगे. हो सकता है राइट वाला पार्ट आपका वो हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी आप एग्जिट कर जाओगे यहाँ से, ठीक है? बट एक के ख़त्म होने से हो सकता है दूसरा बचा हो, तो उनको मैं अलग से हैंडल कर रहा हूँ यहाँ पर. वाइल जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू, सो जे स्मॉलर देन इक्वल टू इंडिया, यही काम करना है आपको. आंसर ऑफ के इज इक्वल टू वी ऑफ आई, सॉरी वी ऑफ जे, और
जे प्लस प्लस के प्लस प्लस। सर आप प्लीज़ मर्ज सॉर्ट वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दोगे? प्लीज़ प्लीज़। ओके, मर्ज सॉर्ट जो नीचे लिखा है फंक्शन, ये वाले फंक्शन की बात कर रहे हो? चलो वो मैं कर दूंगा एक्सप्लेन। और बाकी सब लोग ये बताओ, ये जो मर्जिंग हमने करी है, ये मर्जिंग सबको समझ में आ गई? सबको ये मर्जिंग समझ में आ गई है? रिवाइंड करो ना यार। अच्छा अनुराग, कैन यू टेल कि प्रॉब्लम क्या है आपको इस वाले मर्ज में? क्या इस, ये तो मैंने तो चार तो लाइन लिखी है बस यहाँ पर, इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ में है? वाइल वाली कंडीशन एक बार समझा दो, समझा दूंगा कोड शेफ इतने बड़ी। अरे यार किसी किसी को नहीं पता होता यार किसी किसी को छोटी छोटी चीज़ नहीं पता होती है, प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस वाली चीज़ें, तो वो कॉन्सेप्ट कुछ और समझ रहे हैं और उनको समझाने लग जाऊंगा ये पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट, तो उनका ऑलरेडी फिर कोई होप नहीं बचेगा उनके पास सीखने का। सो दैट इज़ वाई आई इग्नोर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बाकी करना है ईज के लिए देन यू कैन सिंपली डू इट। अब जैसे पता चल गया सबको कि क्या करने वाले हैं, सो इसका इक्विवेलेंट ये होगा कि के प्लस प्लस जे प्लस प्लस से एक साथ कर दो और इनको हटा दो यहाँ से। इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो, इनफैक्ट यहाँ से काट के इसको यहाँ पर लिख सकते हो एक लाइन में, ठीक है? काफ़ी छोटा हो जाएगा कोड। और सेम थिंग यू कैन डू विद दिस कि के प्लस प्लस एंड आई प्लस प्लस, ठीक है? इसको भी यहाँ पर लिख सकते हो एक लाइन में हो जाएगा ये भी। एंड वॉट एल्स यू कैन डू, यू कैन राइट इन द एल्स सेम थिंग के प्लस प्लस जे प्लस प्लस और यहाँ से ही हटा दो। इफ दिस देन आंसर इज इक्वल टू, इसी के अंदर के प्लस प्लस एंड आई प्लस प्लस, इसको भी हटा दो, ठीक है? ये छोटा हो गया। चलो ठीक है, ऑल राइट, इनबिल्ट फंक्शन है। ओके सो नाउ एम आई डन विद द जॉब? कि हमारा काम हो चुका है या अभी और भी कुछ करना है? एनीथिंग एल्स दैट वी हैव टू डू आफ्टर दिस, या फिर हमारा सॉर्टिंग हो चुकी है? पहले के देखो, आपने जो भी आंसर है ना आपका, इस आंसर वाले में स्टोर करवाया है, ठीक है? इस आंसर वाले में स्टोर करवाया है, बट अब जो वी है हमारा, उसको भी तो हमें आंसर के बराबर बनाना पड़ेगा ना। सो वी में चेंज करने पड़ेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू एस, आई स्मॉलर देन, आई तो पहले बना चुके हैं ऊपर, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फॉर इंट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्मॉलर देन आंसर डॉट साइज एंड एक्स प्लस प्लस। मैं सारे एक्स के एलिमेंट पे जा रहा हूँ, मेरे आंसर के एलिमेंट पे जा रहा हूँ सारे एक एक करके, एंड मुझे ये इंसर्ट कराने हैं, मुझे ये रिप्लेस कराने हैं एक्चुअली वी में से। सो वी ऑफ, बताइए वी ऑफ डैश इज इक्वल टू आंसर ऑफ एक्स, बताओ ये चीज़ बताओ मुझे, वी ऑफ डैश इज इक्वल टू आंसर ऑफ एक्स। जब तक आपका माइंड इन्वॉल्व नहीं होगा ना, तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये भी ऊपर से चली जाएगी। एंड अगर आप अपने आप से सोचेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, देन यू विल लर्न दिस एल्गोरिथम। हेमंत इज सेइंग के क्यों आएगा हेमंत? यश नारंग इज सेइंग वी ऑफ एस इज इक्वल टू आंसर ऑफ एक्स। जो एक्स है वो तो इटरेटर है एक, है ना, तो वो आंसर पे तो चला जाएगा।
यार देखो ऐसे मत करो यार, ओनली 1% इज गिविंग करेक्ट आंसर, दिस इज़ नॉट फेयर। इतने सारे लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, थोड़ा तो अपना माइंड इन्वॉल्व करो सीखने में, नहीं करोगे तो याद कैसे होंगी चीज़ें। वी हमारा वेक्टर है जो कि कभी चेंज नहीं हो रहा था साइज में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइज वो कभी चेंज नहीं हो रहा था। तो मैं वी की एक रेंज पे काम कर रहा हूँ और वो रेंज है स्टार्ट से लेकर के एंड तक की। तो मेरा जो आंसर का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी द एलिमेंट दैट शुड बी देयर एट द इंडेक्स स्टार्ट ऑफ वी, वी के स्टार्ट वाले इंडेक्स पे होना चाहिए। तो स्टार्ट लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, स्टार्ट प्लस एक्स, ठीक है, स्टार्ट प्लस एस इक्वल टू आंसर। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ राइट यस इन दिस। अच्छा ये तो रिस्पॉन्स कर ही सकते हो, समझ में आया या नहीं आया वाला ये कर दो बस। कोई बात नहीं यश, स्टिल यू अंडरस्टूड राइट, आपको आपने सही बता दिया था फिर, एक्स प्लस एस प्लस एक्स, ठीक है। धीरे धीरे सभी लोग समझते जा रहे हैं, गुड, ठीक है। तो ये हमने अपना जो वी वाला वेक्टर है जो कि हमारा ये वेक्टर था ये चेंज कर दिया, और ये जो चेंजेस है ना ये रिफ्लेक्ट होंगे बिकॉज एज अ रेफरेंस पास किया मैंने, तो ये जो चेंजेस हैं ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे मैंने वी यहाँ से अगर पास किया है ना मर्ज सॉर्ट में, लेट मी कॉल मर्ज सॉर्ट फ्रॉम हियर, मर्ज सॉर्ट को कॉल करते हैं, मर्ज सॉर्ट में आई एम सेंडिंग वी, वी के बाद जीरो, स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो है और एंडिंग इंडेक्स है साइज माइनस वन, वी डॉट साइज माइनस वन। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ और जब मैं वी यहाँ से भेज रहा हूँ ना, वी ये वाला वी ये एज अ रेफरेंस भेज रहा हूँ, तो जो भी मैं चेंजेस यहाँ पर वी में करूँगा ना वो चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, तो इवेंचुअली वी को सॉर्ट हो जाना चाहिए। फॉर ऑटो ए बिलोंग, अच्छा फॉर ऑटो में भी दिक्कत हो सकती है लोगों को, सो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई स्मॉलर देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस। फॉर ऑटो ए क्या करता है, एक एक एलिमेंट वी से उठा के प्रिंट कराता है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज बाई दैट, हम लोग ऐसे ही प्रिंट करा लेते हैं नॉर्मल तरीके से, ट्रेडिशनल वे से। वी ऑफ आई, इसको हमने पूरे वैक्टर को हम प्रिंट करा दिया, इट शुड बी सॉर्टेड आफ्टर मर्ज सॉर्ट, बट हमने यहाँ पर मर्ज बुलाया नहीं है कहीं, मतलब हमने दो पार्ट में मर्ज सॉर्ट किया, उसके बाद हमें मर्ज भी करना है, सो वी शुड कॉल दिस फंक्शन मर्ज, मर्जिंग, मर्जिंग फंक्शन यहाँ पर हमें कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मर्ज सॉर्ट वाले में लेफ्ट को सॉर्ट किया, राइट को सॉर्ट किया, उसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो मर्ज करते टाइम क्या भेज रहे हैं हम लोग, वी भेज रहे हैं एंड एस भेज रहे हैं एंड एम एंड ई, इतना भेज देते हैं और ये मर्ज हो जाता है, ठीक है। सो लेट अस सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट, इफ देर आर एनी कंपाइलेशन एरर्स, एरर्स हैं क्या, एरर है ओहो, एक्चुअली वी आर यूजिंग वेक्टर्स एंड वेक्टर्स यूज़ करने के लिए वी शुड डू हैश इंक्लूड वेक्टर्स, बट उसकी जगह पे यू कैन सिंपली डू हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। इससे क्या होगा कि जितने भी हेडर्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं, जो हमारा आईओ स्ट्रीम था ना अभी इससे पहले वो भी इंक्लूड हो जाएगा, और वेक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी इंक्लूड हो जाएगा, सारे इंक्लूड हो जाएंगे इससे, ठीक है। इसको हमने इंक्लूड करा लिया, अरे आउटपुट गलत आया, 03 कुछ हुआ नहीं क्या हमारे आउटपुट में, 02 इट इज़ रॉन्ग, द आउटपुट इज़ रॉन्ग, हमने कुछ गड़बड़ की है। 025193 i++ v.size -1, यहाँ से तो ठीक भेजा है, स्टार्ट इक्वल टू, इसको हटाते हैं, स्टार्ट इक्वल टू एंड रिटर्न m इक्वल टू स्टार्ट प्लस एन डिवाइडेड बाई टू एस से लेकर m तक का, फिर m प्लस वन से लेकर e तक का, फिर हमने इसको किया मर्जिंग में, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है मर्जिंग में, कुछ गड़बड़ है। वी ऑफ आई स्मॉलर देन वी ऑफ जे, तो आई हो जाएगा वरना जे हो जाएगा, वाइल आई स्मॉलर देन स्मॉलर देन इक्वल टू -1 बिल्कुल ठीक, आंसर ऑफ के प्लस प्लस वी ऑफ आई प्लस प्लस ठीक है, आंसर ऑफ वी ऑफ जे प्लस प्लस, आंसर ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो एक्स मोर देन आंसर डॉट साइज एक्स प्लस प्लस
वी ऑफ एस प्लस एक्स इज इक्वल टू आंसर ऑफ एक्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओह अब मुझे एक सेकेंड. एन इज इक्वल टू स्टार्ट प्रेजेंट यू आर रिपीटिंग स्टार्ट सी आउट स्टार्ट एंड एंड डीएल. स्टार्ट और एंड क्या क्या आ रहे हैं मेरे पास. 06 03 0100 11 2 3 2 3 2 6 6. J is equal to M, I is equal to start, J is equal to M, K is equal to 0, sir off. इंक्लूड कर लो. क्या इंक्लूड कर ले. मर सॉर्ट इतना डिटेल में आज तक नहीं पढ़ा. ठीक है बट एरर तो फिगर आउट करें. एक्स को एस से इनिशलाइज करेंगे. नहीं एक्स को एस से इनिशलाइज नहीं करेंगे एक्चुअली. ये तो ठीक है. दिस थिंग इज फाइन. एक्स आंसर डॉट साइज एक्स प्लस प्लस आंसर डॉट एक्स वाई. क्या गड़बड़ आ रही है इसमें. वी जीरो वी डॉट साइज माइनस वन आई इक्वल टू जीरो आई मोर देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस. यहाँ पर सही प्रिंट कराया है मैंने. थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट सॉर्ट नहीं हुआ है. सिक्स यहाँ तक सॉर्ट हुआ है. वन थ्री मर्ज सॉर्ट एस से लेकर एम तक बुलाया फिर मर्ज सॉर्ट एम प्लस वन से लेकर ई तक बुलाया. मर्ज किया हमने एस एम और ई करेक्ट. स्टार्ट आई स्टार्ट जे इज इक्वल टू एम एंड के इज इक्वल टू जीरो आंसर ओके. एस ई माइनस स्टार्ट जैसे दो अगर एलिमेंट हैं. यस इट इज ऑल्सो फाइन. आई स्मॉलर देन इक्वल टू इन जे K plus plus फाइव छोटा हो रहा है. एक सेकेंड लेट मी जस्ट प्रिंट द एंटायर कंटेंट ऑफ आवर आंसर. पूरे आंसर को प्रिंट करा लेते हैं एक बार. जो हमने आंसर क्रिएट किया ना हर बार उसको प्रिंट करा लेते हैं. सो सी आउट आंसर ऑफ एक्स. देखते हैं ये हमारा सॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा सही से. सी आउट एंडल. बाकी सारा हम जो सी आउट कर चुके हैं वो हटा देते हैं. इसको हटा दो एंड इसको हटा दो. टू सिक्स सॉर्टेड वन जीरो अनसॉर्टेड. सॉर्ट नहीं कर रहा है सही से सॉर्ट नहीं हो रहा है. और क्या आया. फाइव नाइन सॉर्टेड टू सिक्स वन जीरो अनसॉर्टेड अनसॉर्टेड. फाइनली ये बना अनसॉर्टेड. ठीक है कुछ हमारी मर्ज करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रही है. सो so,
एक सेकंड, कोई कुछ लिख रहा है, आई स्मॉलर देन इक्वल टू, आई स्मॉलर देन इक्वल टू एम नहीं होगा यार, आई स्मॉलर देन, ओ हो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहला वाला जो पार्ट है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो जो पहला वाला पार्ट है ना मेरा, लेफ्ट वाला पार्ट, वो एस से लेकर एम तक का है, ठीक है। अगर ये एस से लेकर एम माइनस वन तक का होता और सेकंड वाला पार्ट मेरा एम से लेकर ई तक का होता, तब मेरा कोड सही काम करता। पार्ट इसमें गलती हो गई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लेट मी रन दिस अगेन, होपफुली, एक सेकेंड, इसमें ये वाली सिचुएशन भी लगेगी क्या, वी ऑफ एम से लेकर, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको वही रहने देते हैं हम लोग, एस से लेकर एम प्लस वन से लेकर करते हैं और यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू एम, और जो हमारा जे है वो वन यहाँ से स्टार्ट होगा ना, एम प्लस वन से स्टार्ट होगा जे, और आई स्मॉलर देन इक्वल टू एम, यहाँ पर भी आई स्मॉलर देन इक्वल टू एम, जे का ये ठीक है। जे सेकेंड वाला पार्ट हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है, अब ठीक है। 0 1 0 1 2 3 5 6 9, ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो एस से लेकर एम तक है, सेकंड पार्ट एम प्लस वन से लेकर ई तक है। मैंने क्या कंसिडर कर लिया यहाँ पर कि मेरा जो पहला पार्ट है वो एस से लेकर के एम माइनस वन तक का है और सेकंड पार्ट एम से लेकर के ई तक का है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहला वाला पार्ट एस से लेकर के एम तक का है, दूसरा वाला पार्ट एम प्लस वन से लेकर के ई तक का है। सो दिस वॉज दी प्रॉब्लम। एक सेकेंड, काफ़ी लोगों ने बताया ये, मैं एक्चुअली चैट देख नहीं रहा था वाइल डिबगिंग। जे इज इक्वल टू एम प्लस वन इज मर्जिंग, ठीक है, ध्रुव ने ठीक बताया एंड किसने और ने, हेयर यूगो ने ठीक बताया, इंडियन फूडी ने भी ठीक बताया, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड शुभम ने भी ठीक बताया, सुफियान, जे में प्रॉब्लम है, यस ठीक 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 ठीक, अब ठीक है ना, अब हो गया। सो अब तो देखो डिबग कर लिया आप लोगों ने, सो अब डिबग करने के बाद और भी अच्छा हो गया वो कॉन्सेप्ट, है ना। मुझे ये बताओ कितने लोगों ने मर्ज सॉर्ट जो है वो पहली बार पढ़ा है आज, कितने लोगों ने मर्ज सॉर्ट पहली बार पढ़ा है ये बताइए मुझे। इसको हटा दो यहाँ से, सॉरी इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा दो और इसको दोबारा से इस तरीके से हम लोग एक लाइन में लिख देते हैं, छोटा हो जाएगा कोड, थोड़ा थोड़ा कोड छोटा हो तो देखने में थोड़ा, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्लीन होता है। कितने लोगों ने पहली बार पढ़ा है मर्ज सॉर्ट और समझ में आया है पहली बार में, पहली बार में मर्ज सॉर्ट पढ़ने के बाद समझ में आया है, प्लीज़ लेट मी नो। और वैसे तो यार एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी एक मर्ज सॉर्ट के ही, उस पर मुझे बताना था बेसिस पे, सेकेंड टाइम एंड अंडरस्टूड, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आया था, ओके फर्स्ट टाइम बताइए। एक और चीज़ थी यार वैसे कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन काउंट, जो कि देखो अभी हमने कोड अभी अभी किया है तो अभी के अभी हमारा इन्वर्जन काउंट भी हो जाना चाहिए, कर लेते हैं इन्वर्जन काउंट भी यार, बहुत बार पढ़ा है बट आज समझ आया, ओके नाइस, सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम समझ, ओके 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 नाइस, इन यार कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम और दे दो, इन्वर्जन काउंट भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अगली क्लास में मैंने अगर ये बताना शुरू करा ना तो अगली क्लास में कोई सुनना ही नहीं चाहेगा इसको, ठीक है। अभी मर्ज सॉर्ट बताया, इन्वर्जन काउंट देख लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम भी है मेरे पास, एक काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, वो भी करेंगे, आप लोग रुक जाओ थोड़ी देर यहाँ पर, लेट अस डू, ओके फर्स्ट टाइम एंड क्लियर, नाइस। चलो मैं कराता हूँ क्वेश्चन, इन्वर्जन काउंट हम लोग कहते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये समझो आप, ठीक है। और अभी भी कोई यहाँ पर हो ना जिसको डाउट हो मर्ज सॉर्ट में, तो मेरे से पूछ लेना, कोई यहाँ पर डिस्कॉर्ड का लिंक मांग रहा है इन द चैट, सो अगर किसी को दिक्कत है तो वो मुझे बता देना। लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज इन्वर्जन काउंट। तो अगर ये हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब ये तो सॉर्टेड एरे है आपका, ठीक है, 1 2 3 4 6 10, दिस इज अ सॉर्टेड एरे, इसमें एक भी इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन होता क्या है, इन्वर्जन ये होता है कि अगर 3 और 6 को मैं अगर स्वैप कर दूँ, ठीक है,
थ्री और सिक्स को मैं अगर स्वैप कर दूं तो इन्वर्जन जब आएगा, फोर और सिक्स के बीच में इन्वर्जन है. वाई? फोर छोटा है, सिक्स बड़ा है, लेकिन गलत पोजीशन पे, तो इन्वर्जन है ये इन दोनों के बीच में. दिस इज वन इन्वर्जन. दूसरा इन्वर्जन क्या होगा? थ्री और इसके बीच में दो इन्वर्जन है यहाँ पर, देर आर टू इन्वर्जन्स. अब लेट अस से मैं टू को और टेन को भी स्वैप कर देता हूँ. तो यहाँ पर अगर टेन ले आता हूँ मैं, और यहाँ पर अगर मैं टू ले आता हूँ, तो दिस इज टेन, दिस इज टू. तो अब सिक्स एंड टेन के बीच में इन्वर्जन है, फोर टेन के बीच में इन्वर्जन है, थ्री टेन के बीच में इन्वर्जन है, टू टेन के बीच में इन्वर्जन है. तो बेसिकली इन्वर्जन आई और जे दो इंडेक्स के बीच में इन्वर्जन कब होता है? व्हेन आई इज स्मॉलर देन जे एंड एट द सेम टाइम वी ऑफ आई इज ग्रेटर देन वी ऑफ जे. समझ रहे हो ना इन्वर्जन का मतलब? समझे? ऐसे आई जे के पेयर्स जहां पर आई छोटा और जे बड़ा है, लेकिन वैल्यू जे पे जो है वो छोटी है और आई पे बड़ी है. दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन. बाय द वे, तीन लाइक और करने हैं फॉर 100 लाइक्स. आज तो हो गए लाइक्स, जल्दी से कर देना इसको. सभी लोग जिन्होंने भी नहीं किया लाइक कर दो. या नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज इन्वर्जन, उतने इन्वर्जन्स हैं, जितने ऐसे पेयर हैं ना उतने ही इन्वर्जन है. सो वी हैव टू डू इन्वर्जन काउंट. पहला तरीका क्या है, सबसे बेसिक तरीका? आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट टेल मी व्हाट इज द बेसिक वे टू डू दैट. सबसे आसान, सबसे बेसिक तरीका क्या है उसको करने का? हंड्रेड लाइक्स करवा दिए क्या? ओके, 103 हो गए, बहुत बढ़िया. एन स्क्वायर तरीका, या ब्रूट फोर्स एन स्क्वायर. यस, तो जो एन स्क्वायर तरीका है दैट इज द ब्रूट फोर्स वे. टू पॉइंटर, हाँ टू पॉइंटर ही कह सकते हो उसको, एन स्क्वायर टू पॉइंटर, डबल लूप लगा के. मतलब ऐसा है ना, डबल लूप लगाना पड़ेगा आपको उसमें, वन बाय वन सबके लिए चेक करना पड़ेगा. जैसे कि अगर कुछ ऐसा है सिनेरियो तो हर एक के लिए चेक करो. इस वाली इंडेक्स के लिए चेक करो पहले, इसके लिए आगे सारे एलिमेंट्स पे जाओ यहाँ से यहाँ तक, और देखो कि इससे छोटा और कौन सा एलिमेंट है. इससे छोटा तो कुछ नहीं है, तो इसके लिए एक भी इन्वर्जन नहीं है. फिर टेन पे जाओ, ठीक है, फिर टेन पे जाओगे आप. उसके बाद फिर टेन पे जाने के बाद आप देखोगे इन सारे एलिमेंट्स में से देखोगे कि ये आई है, ये सारे जे हैं इसके लिए, इस आई के लिए ये सारे जे हैं, बिकॉज दीज आर लार्जर देन आई. अब ये देखोगे कि कौन से जे की वैल्यू, कौन सा वी ऑफ जे की वैल्यू वी ऑफ आई से, जो यहाँ पर टेन वैल्यू है उससे छोटी है. इसकी छोटी है, इसकी छोटी है, इसकी छोटी है, इसकी छोटी है. सो टोटल चार इन्वर्जन काउंट हमें यहाँ से मिल गए, टेन के वजह से चार इन्वर्जन काउंट हमें यहाँ से मिल गए. फिर आप छः पे जाओगे, तो छः पे जाने के बाद इन सब पे चेक करोगे, तो छः से छोटी कौन सी वैल्यू है? सारी छः से छोटी है, तो तीन और मिल गए, तो टोटल सात हो गए, बस तीन और मिल गए, सात हो गए. फिर चार पे जाओगे, तो चार पे जाने के बाद आपको और मिल जाएंगे कुछ, ये दोनों है ना, दो और मिल जाएंगे, 7 + 2 9 हो गए टोटल. फिर तीन पे जाओगे तो आपको एक और मिल जाएगा, 10 हो जाएंगे टोटल इसमें, ठीक है. टोटल 10 इन्वर्जन इसमें हो जाएंगे. एन स्क्वायर तरीका आपको पता है. ऑलराइट, इससे अच्छा तरीका भी होता है एक इन्वर्जन काउंट फाइंड करने का, दैट इज यूजिंग मर्ज सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट फाइंड करके, मर्ज सॉर्ट करके वी कैन यूज इन्वर्जन काउंट. कैसे? जब आप मर्ज कर रहे हो ना, जब आप मर्ज कर रहे हो दो चीज़ों को, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था पहले मर्ज का, हटा दिया सब सब साफ कर दिया यार, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ले लेता हूँ मैं. तो लेट मी टेक एन एग्जांपल मर्जिंग का. टू टू फोर टेन 17. पहला एरे, मतलब पहला पार्ट ये है एरे का जिसको मर्ज करना है. दूसरा पार्ट ये है 5 6 11 और 15. ये हैं दो, इनको मुझे मर्ज करना है. तो मर्ज करते करते मैं इन्वर्जन्स काउंट कर सकता हूँ. कैसे? आई
जे, ठीक है, ये है एम, ये एम है, इतना पार्ट फर्स्ट वाला है, इतना पार्ट सेकंड वाला है। तो अभी इसको मर्ज कैसे करना है, मर्ज हमें पता है कैसे करते हैं हम लोग, लेकिन मर्ज करते करते वी कैन फाइंड इन्वर्जन काउंट्स। कैसे? अगर वी ऑफ आई स्मॉलर देन वी ऑफ जे है, अगर वी ऑफ आई मतलब ये वाला चीज़ इससे छोटा है, फिर तो ठीक है, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, यहाँ पर है, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, ठीक है। बट अगर सिचुएशन ऐसी नहीं है, ठीक है, चलो पहले तो हम प्रोसीड कर जाते हैं, पहले तो लेट अस प्रोसीड। तो हम आई को बढ़ा देंगे, कुछ नहीं करने वाले, इन्वर्जन हमारे पास नहीं है अभी, बिकॉज दिस इज स्मॉलर। या सेलेक्ट नहीं हो रहा यार ये रेजर, बग्स। ठीक है, सो आई हमारा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, और आई हमारा जो है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। टू स्किप होगा एंड फोर स्किप होगा, ठीक है, मतलब टू स्टोर हो जाएगा हमारे आंसर में, फोर स्टोर हो जाएगा हमारे आंसर में, फिर हम आई इज इक्वल टू 10 पे आ जाएंगे, मतलब इस वाले पे आ जाएंगे, एंड फाइव इस पे कंपेरिजन होगा, ठीक है। फाइव से कंपेयर हो के ये दोनों छोटे थे तो ये दोनों चले गए। अब सिचुएशन ऐसी है कि एरे ऑफ आई बड़ा है एरे ऑफ जे से, देख पा रहे हो, एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे से बड़ा है, तो यहाँ पर हमें इन्वर्जन्स मिलेंगे। कितने इन्वर्जन्स मिलेंगे, कितने इन्वर्जन्स मिलेंगे ये बताओ मुझे, हाउ मेनी इन्वर्जन्स आर गोइंग टू बी देयर इन दिस सिचुएशन, जो भी हमारे सामने है, कितने इन्वर्जन्स हैं इसकी वजह से, सिर्फ फाइव की वजह से, बताइए फाइव की वजह से कितने इन्वर्जन्स हैं। यहां पर हमारे पास, जल्दी से बताओ सभी लोग यार, बहुत स्लो स्लो रिप्लाईज आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए, कोड में भी चेंज करने हैं इसके बाद, क्विकली जल्दी से बताओ सभी लोग। यार बातें बाद में कर लेना, लास्ट के 2 मिनट बात कर लेना आप लोग, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी प्लीज यहां पर जो मैं पूछ रहा हूँ प्लीज उसका रिप्लाई कर दो जल्दी से, सो दैट वी कैन प्रोसीड। कितने इन्वर्जन्स हैं जे की वजह से, यहां पर जे की वजह से ही इन्वर्जन आ रहे हैं ना, जे हमारा, सिर्फ जे की वजह से बताओ, सिर्फ जे की वजह से कितने इन्वर्जन्स आ रहे हैं वो काउंट करने हैं मेरे को अभी, बिकॉज ऑफ जे हाउ मेनी इन्वर्जन्स आते हो। दो इन्वर्जन्स आ रहे हैं जे की वजह से लेफ्ट साइड पे, एक 10 और एक 17, ठीक है। और इसको मैं ये भी कह सकता हूं एम माइनस आई, एम माइनस आई प्लस वन नंबर ऑफ इन्वर्जन्स आ रहे हैं, ये भी कह सकता हूँ इसको मैं, 10 एंड 17 बोथ, क्योंकि देखो बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 ही ग्रेटर देन 5 हो रहा है, 10 ही ग्रेटर देन 5 हो रहा है, तो 10 के आगे आने वाले सारे एलिमेंट ग्रेटर देन 5 होंगे, बिकॉज वो सारे एलिमेंट 10 से बड़े हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ इन्वर्जन्स आर गोइंग टू बी ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर दिस आई, इस आई के आने बाद में आने वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं फाइव से बड़े होंगे, तो वो इन्वर्जन ही तो हुआ, दैट इज एन इन्वर्जन, है ना। तो इसीलिए कितने एलिमेंट्स हैं वो, एम माइनस आई प्लस वन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इतने इतने इन्वर्जन हो रहे हैं। समझ में आया, प्लीज़ राइट यस इन द चैट एवरीवन, जिसको जिसको समझ में आया जल्दी से चैट में यस लिख दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। टू इन्वर्जन्स, ओके इट इज करेक्ट सुफियान, निखिल को समझ में आ गया। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल, जल्दी से यस लिख दो जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, गुड, ठीक है। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स मुझे पता चल गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, आई विल प्रोसीड, मैं प्रोसीड करूँगा, फाइव को अपने आंसर में डालूंगा, जे को प्लस प्लस करूंगा, फाइव पिक्चर से चला गया, जे को प्लस प्लस करूंगा, जे यहाँ पर आ जाएगा। अगेन देखो फिर से दोबारा से सेम चीज़ आ गई,
सिक्स की वजह से कितने इन्वर्जन्स हैं? अब सबका आंसर आना चाहिए, सिक्स की वजह से कितने इन्वर्जन्स हैं? या इट हैपेंस ड्यूरिंग द मर्जिंग पार्ट ऑफ द मर्ज सॉर्ट, मर्जिंग पार्ट के दौरान ये होता है। ऑल्सो दिस वन मोर थिंग, आपको ना मर्ज करते रहना है साथ ही साथ, हाँ तभी एरे सॉर्टेड होगी। ऑब्वियसली यार आपको एरे सॉर्टेड चाहिए, आपको मर्ज सॉर्ट भी परफॉर्म करनी है साथ साथ इन्वर्जन भी काउंट करनी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप इन्वर्जन ही काउंट कर लोगे, मर्ज सॉर्ट करो ही मत, मर्ज सॉर्ट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दो इन्वर्जन है सिक्स की वजह से। तो अपने आंसर में पहले दो था, अब दो और ऐड कर दिया अपने आंसर में, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। सिक्स चला गया, आगे बढ़ गए हम लोग, सिक्स को यहाँ पर स्टोर करा लिया, आगे बढ़ गए जे यहाँ पर। तो अब देखो बड़ा हो गया ये, अब ये जे बड़ा हो गया, आई छोटा हो गया, तो अभी एक भी इन्वर्जन इस जे की वजह से इन्वर्जन्स नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ गए हम लोग, यहाँ पर आ गए। फिर अब देखो 17 बड़ा हो गया जे से, तो अब एक और इन्वर्जन ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को इन्वर्जन्स ऐड करने हैं उस वाले पार्ट में। किस वाले पार्ट में ऐड करने हैं? इस वाले पार्ट में ऐड करने हैं हमें, वाइल लूप के इस वाले पार्ट में। व्हेन एरे ऑफ जे इज ग्रेटर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ग्रेटर और इक्वल टू वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज व्हाट वी विल डू इज वी विल काउंट द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स के लिए मैं एक इंट बना लेता हूँ यहाँ पर, इंट इन्वर्जन इज इक्वल टू जीरो। इन्वर्जन में मैं ऐड करूंगा इन्वर्जन्स प्लस इक्वल टू आई सॉरी एम माइनस आई प्लस वन, इतना मैं इसमें ऐड करूंगा इन्वर्जन्स में। ठीक है, ओके, तो फाइनली मेरे पास नंबर ऑफ इन्वर्जन्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड मुझे इस फंक्शन को भी इंट बनाना पड़ेगा इन्वर्जन्स रिटर्न करवाने हैं तो, और इस फंक्शन को भी इंट करवाना पड़ेगा इन्वर्जन्स रिटर्न करवाने हैं तो। और यहाँ से मैं क्या कराऊँगा, यहाँ से क्या रिटर्न करवाऊँ बताना। अगर मैं इसको स्टोर करवा लूँ एक आंसर, इसको मैं स्टोर करवा लूँ, मर्ज इन्वर्जन्स इसमें स्टोर करवा लिया, तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करवाऊँगा अब? इसका आंसर मैंने स्टोर करवा लिया है, बताइए। और यहाँ से मुझे रिटर्न भी करवाना पड़ेगा अपना आंसर, रिटर्न आंसर सॉरी नॉट रिटर्न आंसर, रिटर्न इन्वर्जन्स, आंसर तो कुछ और है, रिटर्न इन्वर्जन्स। और मेरे पास इन्वर्जन्स में आ गए, देन आई कैन सिंपली रिटर्न मर्ज इन्वर्जन्स फ्रॉम हियर। बताइए इज इट करेक्ट, क्या ये सही है? नेमिंग वेरिएबल्स इज वेरी टफ जॉब, हाउ डू वी नो दैट इन्वर्जन्स वुड बी काउंटेड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करवाना है, मुझे यहाँ से मर्ज इन्वर्जन्स रिटर्न नहीं करवाना, बिल्कुल ठीक है, मुझे यहाँ से मर्ज इन्वर्जन्स रिटर्न नहीं करवाना, क्योंकि इस वाले पार्ट से भी कुछ इन्वर्जन्स आए होंगे। इंट लेफ्ट इन्वर्जन्स इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से भी कुछ इन्वर्जन्स आए होंगे। इंट राइट इन्वर्जन्स इज इक्वल टू दिस, तो मतलब लेफ्ट, मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड में जितने इन्वर्जन्स थे वो, प्लस राइट साइड में जितने इन्वर्जन्स थे वो, प्लस जो इन दोनों को मर्ज करने पे जो इन्वर्जन्स बने वो, इन तीनों का समेशन मेरा आंसर होगा। ठीक है, दिस विल बी माई आंसर। और एक काम करते हैं हम लोग ना, इन्वर्जन्स देख लेते हैं कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें जीरो आने चाहिए इन्वर्जन्स, तो मर्ज सॉर्ट करेंगे और इसको सी आउट कर लेते हैं। लेट अस सी आउट दिस, ओके। रिटर्न जीरो करवाना पड़ेगा बेस कंडीशन में, और यहाँ पर जीरो इन्वर्जन्स आए हैं हमारे, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, जीरो इन्वर्जन्स आए हैं, सॉर्ट करने के बाद अरे वही होगा जो पहले था। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, कैन एनीवन टेल मी कि कितने हमारे पास इन्वर्जन्स आएंगे अगर हमने इसको उल्टा कर दिया तो? 6, 5,
फोर, आप इतना ही ले लो, इतना ही ले लो, आप 6 बाय 4 ले लो। तो इसमें कितने इन्वर्जन्स आएंगे? इसमें आएंगे हमारे पास 1, 2, 3, टोटल 3 इन्वर्जन्स होंगे ना यहाँ पर, 3 इन्वर्जन्स आ गए हमारे यहाँ पर, ठीक है। इसका अगर मैं एक और बढ़ा देता हूँ, 3 प्लस, टोटल इन्वर्जन्स 6 हो जाने चाहिए हमारे पास। मैं यहाँ पर अगर 3 कर देता हूँ तो 6 हो जाने चाहिए टोटल इन्वर्जन्स, ठीक है। उसके बाद टोटल इन्वर्जन्स 10 हो जाने चाहिए, अब 10 हो जाने चाहिए, और एक और कर दूंगा तो 15 हो जाने चाहिए, टोटल इन्वर्जन्स शुड बी 15 इन दिस केस। यस, सो टोटल इन्वर्जन्स आर कमिंग आउट टू बी 15, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। 15 कैसे? 15 ऐसे कि 1 का इन्वर्जन इन सब के साथ है, 5 एलिमेंट के साथ है 1 का इन्वर्जन, 2 का इन्वर्जन किसके साथ है? 2 का इन्वर्जन 4 एलिमेंट के साथ है, तो 5 प्लस 4, 3 का इन्वर्जन 3 के साथ है, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 करते करते ये आपका, हाँ, एन इन टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यस वही फॉर्मूला बनेगा। तो हमारा ये सही चल रहा है, हमने कहा कि लेफ्ट वाले साइड में जितने इन्वर्जन है वो, प्लस राइट वाले साइड में जितने इन्वर्जन है वो, प्लस इनका प्लस इनको मर्ज करने पर जो इन्वर्जन आए वो, इन तीनों का समेशन इज आर आंसर, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इन्वर्जन काउंट समझ में आया होगा आप लोगों को, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, मर्ज सॉर्ट से इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को अगर मन ना करे ना कि यार हमें इन्वर्जन काउंट ही तो करना है, हमें क्या मतलब मर्जिंग से, हमें मर्जिंग से क्या ही मतलब है, तो आप एक काम करना कि आप एक ये आंसर मत बनाओ, डोंट क्रिएट दिस आंसर, ओके। आंसर को यू कैन रिमूव, आंसर को रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो, आंसर मत ही बनाओ आप लोग, ठीक है। सिंपल, आप तो बस जे को प्लस प्लस इधर कर दो और आई को प्लस प्लस यहाँ कर दो, ठीक है। आई को प्लस प्लस यहाँ पर कर दो, जे को प्लस प्लस वहाँ कर दो, और यहाँ पर रिमेनिंग में आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप इवेंचुअली आप आंसर आंसर बना ही नहीं रहे हो अपना। लेकिन इस पार्ट को तो सॉर्ट करना ही है आपको, ये जो एस से लेकर ई तक का पार्ट है ना, इसको मर्ज मर्ज करना मतलब सॉर्ट करना। अभी पहले हम लोग मर्ज करके सॉर्ट कर रहे थे, अब हम लोग ऐसे ही सॉर्टिंग है वो सॉर्ट मार सकते हैं। हाउ सॉर्ट,